आज का टॉपिक हाँ।, हाँ जी ध्यान दीजिए बोर्ड पे मैं आज जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो एस्पेक्ट में अकाउंटिंग एस्पेक्ट से लेके चलूंगा पूरा तो मैं थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर कर दूं कि जीएसटी के अंदर पहले टैक्स का क्या सिचुएशन है हम बिल्कुल कोर लेवल से समझेंगे कि भैया स्टार्टिंग कहां से हुआ क्यों हुआ इससे पहले क्या क्या टैक्स हुआ करता था उसके बाद जीएसटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है आज हम देखेंगे यानी मेन मुद्दे की बात है कि आज जीएसटी का बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना जरूरी है उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे यानी अभी थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा वैसे हर किसी को पता है कि जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है लेकिन हम उसको और थोड़ा सा डिटेल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे आगे ठीक है तो सर हमारे इंडिया में हम जीएसटी को बाद में देखें टॉपिक जीएसटी इसलिए मैंने पहले जीएसटी लिख दिया अगर हम बात करें तो पहले टैक्स का क्या रहता है अगर हिंदुस्तान के अंदर हम टैक्स की बात करें तो इंडिया की बात कर रहा हूं मैं टैक्स को दो पार्ट में बांट दिया गया है सर एक बांटा गया है डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बड़ी सीधी सी बात है एग्जाम्पल से समझते जाइएगा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है हमारा और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बड़ी सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल लेते जाऊंगा समझते जाना सपोज करिए मिस्टर एक्स जिसकी इनकम जिसकी इनकम दस लाख रुपए है मिस्टर एक्स जिसकी इनकम कितनी है सर दस लाख रुपए अब मिस्टर एक्स को गवर्नमेंट के पास मिस्टर एक्स को गवर्नमेंट के पास जाना होगा गवर्नमेंट की बात करें हम तो यहां पे गवर्नमेंट का मतलब है जो टैक्स कलेक्ट करते हैं यानी टैक्स डिपार्टमेंट अगर मिस्टर एक्स ने टैक्स गवर्नमेंट को सीधा सीधा अगर नहीं दिया तो यहां पे पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट एक्स को पनिशमेंट कर सकता है यानी यहां पैसा कमाया एक्स ने तो टैक्स भी देने की जिम्मेदारी बनती है किसकी एक्स की यानी यहां पे एक्स और गवर्नमेंट का सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है तो इसको इसलिए बोला गया डायरेक्ट टैक्स सर इसका एग्जाम्पल है हमारा इनकम टैक्स इसका एग्जाम्पल है हमारा इनकम टैक्स जो कि सेमेस्टर थर्ड के अंदर है इनकम टैक्स का हमारा एक सब्जेक्ट ये पूरा एक सब्जेक्ट है इनकम टैक्स तो इसका नाम है सर इनकम टैक्स अब बड़ी बेसिक सी बात है एक हुआ करता था हमारा वेल्थ टैक्स वेल्थ टैक्स उठ को हटा दिया गया है हालांकि अब तो डायरेक्ट टैक्स क्या है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा जो पैसा कमाएगा उसी को टैक्स देना है तो डायरेक्ट टैक्स हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जितने भी पर्सन है उन्होंने सरकार को अभी तक टैक्स नहीं भरा है तो मैं बोलूंगा कि आप डायरेक्ट टैक्स नहीं जमा करवाते सरकार को तो अब दूसरे एस्पेक्ट पे चलते हैं सर इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल देखते हैं मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स और इसका सीधा रिलेशन जो है एक दुकानदार से है एक दुकानदार से है मिस्टर एक्स ने कोई सामान परचेज किया सर किससे सामान परचेज किया दुकानदार से मान लेते हैं इसने एक कुछ एक्स गुड्स खरीदा या मान लेते हैं इसने क्लॉथ खरीदा इसने क्या खरीदा क्लॉथ खरीदा खड़े हो जाओ वहां से इधर बैठो होके खड़े हो जाओ इधर आओ इसने क्लॉथ खरीदा इसने क्या करा के क्लॉथ खरीदा और क्लॉथ की कीमत कितनी थी सर सौ रुपए की इसके ऊपर दुकानदार ने बोला सर आपको ना टैक्स भी देना पड़ेगा और दस रुपए का टैक्स है दुकानदार ने एक सौ दस रुपए वसूल लिए किससे कस्टमर से अब जो दुकानदार के पॉकेट में है दो तरीके का पैसे आया एक सौ रुपए और एक दस रुपए दुकानदार के पॉकेट में एक सौ दस आया लेकिन दुकानदार जो सौ रुपए अपने पास रखेगा और ये दस रुपए जो कि इससे लिए थे किससे लिए थे सर ये दस रुपए इसने ये दस रुपए की बात करूं जो कस्टमर से वसूला था इसने ये दस रुपए किसको दे देगा जाके सर ये ये सीधा दे देगा दे जाके गवर्नमेंट को कौन से गवर्नमेंट को मिलेगा किसको मिलेगा हम अभी बाद में बात करेंगे यानी ये जो दस रुपए दुकानदार के पास आया ये दस रुपए उठा के दे, दे देगा गवर्नमेंट को अल्टीमेटली अब जो टैक्स पेमेंट किया है यहां पे भी एक्स ने पेमेंट किया था और यहां पे भी किसने पेमेंट किया है सर एक्स ने ही पेमेंट किया है फर्क यह है कि एक मीडियोकर आ गया बीच में एक्स पहले इसको देता है पैसे टैक्स और फिर ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट को ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि हर किसी व्यक्ति से आप सब स्कूल में पढ़ रहे हो तो क्या आपसे गवर्नमेंट टैक्स वसूल सकता है और अगर आपसे वसूलता भी है तो आप नहीं दोगे बड़ी सीधी सी बात है तो गवर्नमेंट ने क्या करा जिस चीज को आप कंज्यूम करोगे यूसेज करोगे उसी के ऊपर टैक्स लगा दिया सो so दैट जब आप वो सामान खरीदोगे ऑलरेडी तो उसके अंदर इंक्लूड होता है टैक्स जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव टैक्स तो ये कॉन्सेप्ट आता है हमारा सर इनडायरेक्ट टैक्स का अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स सर इनडायरेक्ट टैक्स कितने होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें कितने होंगे इनडायरेक्ट टैक्स तो इनडायरेक्ट टैक्स की लिस्ट लंबी है जैसे होता है हमारा सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स के बाद होता है वैल्यू एडिट टैक्स दैट इज वैट इसके बाद होता है सर सर्विस टैक्स मैं कुछ एक एग्जांपल ले रहा हूं इसके बाद होता है एंटरटेनमेंट टैक्स इसके बाद होता है सर हमारा सेल्स टैक्स हो गया सेंट्रल टैक्स या एक्साइज ड्यूटी कुछ इतने तरीके के टैक्सेस हैं जो एग्जांपल है हालांकि तीस से बड़ी लंबी लिस्ट है ये ये टैक्स है और ऐसे करते करते कम से कम ये टैक्स की लिस्ट कम से कम पैंतालीस है तीस सॉरी पैंतीस थर्टी फाइव लिस्ट है अब अगर मैं आपके स्कूल की बात करूं बड़ी छोटी से एग्जाम्पल है स्कूल की बात करूं तो सीबीएसई है स्टेट बोर्ड है इसके बाद आईसीएससी भी है इसके बाद ओपन लर्निंग भी है और यूनिवर्सिटी की बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी है आईपी यूनिवर्सिटी है इग्नू है और स्टेट यूनिवर्सिटी भी है तो जो अगर मैं बात करूं डीयू की तो डीयू सिर्फ अपने बच्चे का ख्याल रख सकता है अपना सारा हिसाब किताब रख सकता है क्या डेली यूनिवर्सिटी आपका इग्नू के स्टूडेंट का डिटेल रख सकता है अपने पास नहीं रख सकता यानी वो दोनों सेपरेट हैं सेम यहां पे ये सब आपस में सेपरेट है ये सभी आपस में सेपरेट है यानी इसको एक अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए वेट को एक अलग ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ रही थी इसको एक अलग ऑर्गेनाइज करने के लिए इसको एक अलग ऑर्गेनाइज करने के लिए एक को एक अलग ऑर्गेनाइज यानी इन सभी को ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट की जरूरत थी जब ऐसी दिक्कत आई तो गवर्नमेंट को इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था कि भैया हम एक्सपेंस अपना बढ़ा रहे हैं क्योंकि अब सेल्स टैक्स के अंदर जितने वर्कर होंगे फिर वो सेल्स टैक्स का डिटेल देखेंगे दूसरा जो दुकानदार है अगर मैं दुकानदार की बात करूं तो दुकानदार को भी बहुत सारे लोगों की बातों को मानना पड़ रहा है अगर एक दुकानदार है जो मान लेते हैं कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी चीज की सर्विस प्रोवाइड इन द सेंस या मैं इस दुकानदार को मान लेता हूं कि ये रेलवे की टिकट्स देता है जो आई आर सी टी से आपने देखा होगा आसपास ना बनाने वाले एजेंट होते हैं तो ये सर्विस भी दे रहा है साथ के साथ इस दुकानदार ने उस टिकट बनाने के साथ साथ और भी क्या करता है गुड्स भी बेचता है ये यानी सामान को बेचता है तो अब इस दुकानदार को क्या करना है जो सर्विस दे रहा है उस सर्विस पे इसको सर्विस टैक्स के सारे कंप्लाइंसेस फॉलो करने हैं और गुड्स जो बेच रहा है उसके ऊपर सेल्स टैक्स या वैट का सारा कंप्लाइंस फॉलो करना है यानी एक दुकानदार अगर ये सारे काम करेगा तो उसके पूरे के पूरे टैक्स के हिसाब से अपना अलग अलग फाइल मेंटेन करना है तो एक दुकानदार के लिए भी कॉम्प्लीसिटी है बड़ी मुश्किल की बात है तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा गवर्नमेंट ने करा कि भैया देखो इनकम टैक्स तो अलग है और इसके अंदर भी जो इनकम टैक्स है ना ये सारा का सारा पैसा जाता है सेंटर के पास सेंटर के पास सेंटर गवर्नमेंट के पास सेंटर गवर्नमेंट आप सिंपल से शब्दों में समझ सकते हो जो कि प्रधानमंत्री अभी है तो उन गवर्नमेंट के गवर्न में अगर इसमें कोई भी चेंजेस करनी हुई ना इसके अंदर बदलाव कोई भी जैसे इनकम टैक्स आपका 20 परसेंट हो गया 30 परसेंट हो गया तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही बदलाव कर सकता है और कोई दूसरा राज्य का नहीं कर सकता सारा पैसा इनके पास जाता है और जो ये वाली लिस्ट है ना इनडायरेक्ट टैक्स इसमें मिला जुला रहता है सर मिला जुला क्या रहता है जैसे कि इसके अंदर रहता है आपका सेंटर का भी हिस्सा कुछ और कुछ हिस्सा स्टेट का भी कुछ हिस्सा सेंटर का भी होता है और कुछ हिस्सा स्टेट का भी होता है स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्स का अपना डिसाइड करता है सेंटर गवर्नमेंट अपना डिसाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट को जो भी पैसा चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग ले लेता है और आपका सेंटर गवर्नमेंट को जो भी चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग ले लेता है जो इन टैक्स से पैसा वसूली करता है उसी से स्टेट अपना क्या करता है राज्य को चलाता है यानी जैसे अगर यूपी की बात करें तो यूपी चलाने के लिए वहां की सड़कें बनाने हैं जो भी करना है गवर्नमेंट टैक्स तो लेगी उस टैक्स के बदले वो वहां पे फैसिलिटी देगा स्टेट गवर्नमेंट लेकिन कुछ सेंटर गवर्नमेंट भी वहां पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है तो मिला जुला के मैं बात करूं कि हिंदुस्तान को अगर मैं चलाने की बात करूं तो कंट्री को चलाने की बात करें तो दो लोग मिलकर चलाते हैं एक जिसे बोला गया सेंटर गवर्नमेंट एक जिसे बोला गया स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है अपने छोटे छोटे राज्य को चलाती है हर स्टेट का अपना अलग मुख्यमंत्री होता है एक तरीके से कह सकते हैं कि हर राज्य का अपना अलग राजा है जैसे पहले राजा हुआ करता था अब कौन है मुख्यमंत्री अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि इसको भी निगरानी रखती है यानी जैसे आपके क्लास के अंदर टीचर है हर टीचर अपने क्लासरूम को अपने हिसाब से मैनेज करता है उनको देखने के लिए भी एक कौन है प्रिंसिपल है जो उनको देख रहे हैं तो फाइनली जो वर्डिक होता है वो तो प्रिंसिपल का ही चलता है लेकिन बहुत सारी चीजें प्रिंसिपल ये थोड़ी बोल सकता है कि भाई इस बच्चे को काम मत देना यानी कुछ पावर आपके क्लास टीचर्स के पास भी है कुछ पावर प्रिंसिपल के पास भी है सेम ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि किस चीजों पे टैक्स लगाया जाए जो उसके अंडर है और किस चीजों पे ना लगाया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके देखरेख करता है तो ये टैक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था इसमें से मैं बताऊं ना क्या क्या सेंटर के पास जाता है और क्या क्या स्टेट के पास जाता है तो कुछ ऐसा कहानी है ये जाता है स्टेट के पास ये जाता है आपका सेंटर के पास ये जाता है सेंटर के पास ये स्टेट के पास इसी तरीके से सेल्स टैक्स भी पहले हुआ करता था जो कि स्टेट के पास इन सभी को मिला जुला के इन्होंने करा क्या एक काम करते हैं इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक ही नाम में जीएसटी में यानी क्योंकि यहाँ पे सामान के ऊपर भी टैक्स लग रहा है और सर्विस के ऊपर भी टैक्स लग रहा है तो बोला गया कि हम इसको कर देते हैं एक ही सिंगल टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का नाम दे दिया गया इसको सिंगल टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया दैट इज गुड्स और सर्विसेज टैक्स जीएसटी लेकिन मुद्दा आया कि सर यहां पे अलग अलग टैक्स का नाम है तो कुछ टैक्स तो स्टेट गवर्नमेंट पकड़ रही थी अपने पास और जो कुछ टैक्स है वो सेंटर ले रही थी तो मुद्दे की बात आई जब जीएसटी आया तो जीएसटी के अंदर सेंटर कहती है जब रिकमेंडेशन आया तो अब एक ही टैक्स हो गया ये सेंटर ने बोला मान लेते हैं सेंटर क्या कहता है कि ये सारा का सारा हमारा होगा सेंटर गवर्नमेंट ने बोला ये सारा हमारा होगा और जिस राज्य को जरूरत पड़ेगी वो हम अपने हिसाब से टाइम टू टाइम पे देंगे इस तरीके से जो स्टेट के राजा थे उनके पावर चली गई जाने लगी हमारे देश के अंदर कभी भी कोई भी कानून बनता है तो कानून बनाने के लिए हमारे देश के अंदर एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है पहले लोकसभा फिर राज्यसभा दोनों के अंदर अगर सहमति बन जाती है सहमति बनने के बाद जब राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर कर देता है तो वो कानून बन जाता है और राष्ट्रपति सिग्नेचर तब तक नहीं करेगा जब तक दोनों सभाओं के यानी पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सहमति बन के जब तक नहीं जाएगा मान लेते हैं फिफ्टी वन परसेंट की वोटिंग से तब तक प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति भी सिग्नेचर नहीं करेगा तो जीएसटी की हम बात करें तो जीएसटी क्या लगता है अगर हम बात करें जीएसटी आना था और इसका पैसा कौन रखेगा सेंटर इसका पैसा कौन रखेगा तो लोकसभा के अंदर तो चलो मोदी की गवर्नमेंट का था हाथ तो लोकसभा के अंदर तो ये फिफ्टी वन परसेंट मेजोरिटी से वोटिंग करवा लेंगे जैसे आप सभी हो आप में से मैंने बोला कि भाई इक्यावन कितने लोग चाहते हैं जीएसटी आए तो अगर मेरे ही एमपी हैं सारे तो वो तो हां कर देंगे लेकिन राज्यसभा के अंदर पास कराना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हर राज्य का मुख्यमंत्री अलग अलग पार्टी से होता है तो वहां पे मुश्किल है तो क्या आपको लगता है कि राज्यसभा के अंदर राज्य बोलेंगे ठीक है आप एक काम करो जितना भी टैक्स हमें मिला करता था अब आप ही रख लो इसको क्या वो सहमति बनाएंगे सबसे बड़ी समस्या यहां आ रही थी कोई भी देश ना दो तरीके से चलाए जाते हैं एक होता है देश के अंदर जैसे कि छोटे छोटे राज्य बना दिए गए और एक होता है देश के अंदर कोई राज्य नाम का यानी मुख्यमंत्री नाम का कोई चीज ही नहीं होता है जैसे हम बात करें यूके यूके के अंदर आपका कोई ऐसा नहीं है स्टेट होगा सिर्फ एक ही होता है प्राइम मिनिस्टर पूरे भारत पूरे यूके को चला रहा होता है सेम फ्रांस वहां पे एक ही होता है सबको चला रहा होता है लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं, जैसे अमेरिका ले लो वहां पे भी राज्य हैं हमारे भारत के जैसे ही वहां पे राज्य भी है और एक सेंटर भी है तो जीएसटी अगर लाए तो इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है उनको क्या लगेगा कि अगर हमने जीएसटी पे सहमति बना दिया एक पार्लियामेंट में से तो पास होके आ गया और अगर हमने जीएसटी पे सहमति बना दिया तो ये बिल चला जाएगा राष्ट्रपति पे और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर एक बार कर दिया उसके बाद तो हम भी कुछ नहीं कर सकते यानी इसका पैसा किसके पास जाएगा सीधा और फिर हमें जरूरत के हिसाब से उनसे पैसे लेने पड़ेंगे और वो फिर हो सकता है दे भी और हो सकता है ना भी दे वहां पे ये सिचुएशन था तो राज्यसभा में हमेशा लोकसभा में पास हो जाता राज्यसभा में क्या हो जाता है ये डिक्लाइन कर देते बोलते हैं, नहीं भैया हम नहीं एग्री हैं तो अगर लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में मना कर दिया गया तो क्या हमारा जीएसटी बन सकता है नहीं बन सकता तो यानी इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी जो समस्या आई कि हमें दोनों जगह से बिल पास कराना है और दोनों जगह से बिल पास कराने के लिए लोकसभा में भी जो गवर्नमेंट है राज्यसभा में भी वही गवर्नमेंट हो यानी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट की बात करूं तो लोकसभा में तो पास करा सकती है लेकिन बहुत सारे स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है तो बीजेपी को एक ही काम करना था कि उसको ज्यादा से ज्यादा स्टेट में भी अपने मुख्यमंत्री बनाने थे और अपने एमपी जिसे एमएलए बोलते हैं हम वो बनाने थे ताकि मेरा दबदबा राज्यसभा में भी रहे जो मैं बोलू राज्यसभा वालों ने भी यस कर दिया और लोकसभा से यस हो ही रहे वो वो बिल फटाफट से पास हो जाए सिर्फ इसी का वन ऑफ द एक एग्जाम्पल है कि हमारा 370 सेवेंटी हट पाया जो भी था और उसी का एक एग्जाम्पल लेके हमारा जीएसटी आ पाया क्योंकि जीएसटी लाने की बात आज से नहीं चल रही थी सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बोला था कि जीएसटी आना चाहिए इंडिया के अंदर लेकिन उस टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत थी कि सेंटर की गवर्नमेंट भी थी वो एक गठबंधन में था गठबंधन मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग पार्टी मिलकर बनाते हैं उस टाइम वो नहीं लेके आ पाई क्योंकि वहां पे ना तो लोकसभा में रह पाए ना राज्यसभा में जब 2004 का इलेक्शन आया तो उस टाइम बीजेपी हार चुकी थी सुनाओ, 1999 में चुनाव जीता उन्होंने और 2004 में बीजेपी चुनाव हार चुकी थी 2004 के बाद फिर गवर्नमेंट किसका आ गया हमारा कांग्रेस का कांग्रेस का गवर्नमेंट आने के बाद फिर दो के अंदर 2008 के अंदर भी पहले देखो पार्टी क्या करती है कि जो चीजें अच्छी चीजें होती है चाहे बुरी चीजें होती है अपोजिशन का काम होता है कि इसको बेकार बताना सिर्फ बेकार बताना तो कांग्रेस ने 2004 के अंदर अपोज किया कि भैया जीएसटी नहीं आना चाहिए इससे व्यापारी सारे क्या होंगे बर्बाद हो जाएंगे इससे उनका ये कहना था लेकिन जब 2008 में गवर्नमेंट आई 2004 में तो 2008 के अंदर ही पी चिदम्बरम जो कि इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने पहला बिल लेके आए कि जीएसटी आना चाहिए यानी पहले कांग्रेस ने मना कर दिया और फिर बाद में कांग्रेस ने बोला जीएसटी आना चाहिए फिर बीजेपी ने मना कर दिया जीएसटी नहीं आना चाहिए तो यानी फिर जीएसटी हमारा नहीं आ पाया दो तक फिर यूपीए का गवर्नमेंट था यानी दो बार कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी दो से लेके दो तक फिर 2014 के अंदर हमारी सरकार बीजेपी की वापस आ गई 2014 में 2014 में गवर्नमेंट आई तो फिर गवर्नमेंट ने फिर बोला बीजेपी ने कि जीएसटी आना चाहिए और जीएसटी आने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है लेकिन 2014 में ये इतनी पावरफुल नहीं थी उस टाइम पे सिर्फ मतलब के सेंटर में तो थी लेकिन स्टेट में अभी भी यूपी के अंदर कोई और था योगी नहीं था जो सबसे बड़ा अगर देखा जाए राज्यसभा के सबसे ज्यादा मेंबर होते हैं वो यूपी से आते हैं क्योंकि बहुत बड़ा एक तरीके से वहां पे स्टेट है वो और भी बहुत सारे राज्य में बीजेपी नहीं थी तो 2014 में नहीं लेके आ पाई धीरे धीरे बीजेपी यूपी को भी जीतती है फिर धीरे धीरे राजस्थान को जीतती है एमपी में पहले से था तो बहुत सारे जब राज्य को जब जीत ले देती है तो उस सिचुएशन में बीजेपी के बहुत सारे क्या होते हैं कि मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं फिर धीरे धीरे करते करते दो हजार सोलह के अंदर बीजेपी ने डिसाइड कर लिया कि अब हम हर दोनों जगह से क्या करवा सकते हैं सर इस बिल को पास आउट करवा सकते हैं जब दोनों जगह से बिल पास आउट हो गया उसके बाद लेकिन जब बिल पास आउट हो रहा था तो उस टाइम पे पास आउट होते टाइम पे सबसे बड़ी समस्या थी कि कोई भी कानून पूरे भारत के अंदर अप्लाई हो जाता था लेकिन एक जम्मू एंड कश्मीर ऐसा रहता था हमेशा सा मुद्दा क्योंकि उनसे उनके मुख्यमंत्री से पूछना पड़ता था सेंट्रल को राष्ट्रपति को भी पूछना पड़ता था कि हम आपके देश आपके स्टेट में ये कानून लगाए या ना लगाए कुछ ऐसी शर्तों के साथ कश्मीर हमारे साथ मिला था आजादी के बाद जो कि वहां के राजा थे हरि सिंह उन्होंने कुछ ऐसी शर्तों के साथ इंडिया के साथ आना पसंद किया था कि कभी भी कोई भी कानून बनेगा तो हमारे स्टेट के ऊपर यानी जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं करेंगे तभी हम आपके साथ मिलेंगे तो ऐसे सिचुएशन में धीरे धीरे करते करते जीएसटी पूरे भारत पे तो अप्लाई हुआ लेकिन अभी भी जम्मू एंड कश्मीर ने मना कर दिया कि हम तो जीएसटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अब जीएसटी क्यों मना किया जा रहा था सबसे पहले मेन ये थीम समझिएगा और बाद में धीरे धीरे एक्सेप्टेबल क्यों हुआ ये भी समझिएगा तो जीएसटी के अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो जीएसटी सबसे पहले ऐसा नहीं कि अभी फर्स्ट टाइम पे देखा अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो 1954 के अंदर फ्रांस कंट्री फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लिया क्योंकि फ्रांस में कोई मुख्यमंत्री नहीं है सेंटर ने सोचा जीएसटी आना चाहिए ठीक आना चाहिए बात खत्म वहां पर कोई अपोजिशन है ही नहीं वहां पे कोई ऐसा नहीं है तो वहां पे 1954 में सबसे पहले जीएसटी आया और उसके साथ साथ धीरे धीरे हमारे एक कंट्रीज के अंदर अभी जीएसटी है जीएसटी बेसिकली कोई ऐसा टैक्स मैकेनिज्म नहीं है जीएसटी क्या है सभी टैक्स को एक क्लब कर दिया गया और एक सिंगल सा एक डिपार्टमेंट है कि अगर आपका सर्विसेज या गुड्स से कोई भी रिलेटेड क्वेरी होता है तो इस खिड़की पर जाइए यही समाधान मिलेगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है जैसे कि आपका मान लेते हैं कि एक एम्स अस्पताल बना दिया गया कोई भी बीमारी है वहां जाइए पहले क्या होता था कि भैया ये बीमारी है तो यहां जाना है ये बीमारी है तो यहां जाना है सिंपल सी कहानी है जैसे किस किस कंट्री में जैसे कनाडा में जीएसटी है ऑस्ट्रेलिया में जीएसटी है सिंगापुर में है यूके के अंदर है इटली में स्पेन में है यहां जीएसटी है लेकिन यूएस के अंदर जीएसटी अभी तक नहीं आया है अमेरिका के अंदर सर अमेरिका के अंदर जीएसटी क्यों नहीं आया क्योंकि वहां पे कहानी वही है राज्यसभा और लोकसभा और जितना पावर हमारे राज्यसभा में दिया जाता है मुख्यमंत्री को उससे कहीं ज्यादा पावर वहां पे दिया जाता है किसको सर लोकसभा के के अंदर वहां मुख्यमंत्री को इनफैक्ट वहां पे जो कोर्स करते हैं ना अकाउंटेंट का तो हर स्टेट का अलग अलग अकाउंटेंट होता है हर स्टेट का अलग अलग चार्टेड अकाउंटेंट भी होता है जैसे आप दिल्ली के इंडिया के अंदर सीए बनते हो तो आप पंजाब में सीए का जॉब करो या आप फिर आप दिल्ली में करो या फिर बिहार में करो यूपी फर्क नहीं पड़ता वहां पे हर स्टेट का एक अपना सीपीए माना जाता है जिसे हम सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बोलते हैं तो वहां पे अलग थोड़ा सा चलता है। हम बात करें फर्स्ट टाइम जीएसटी की तो फर्स्ट टाइम जीएसटी जैसे मैंने कहा कि आपका फर्स्ट टाइम जो जीएसटी आया सर वो फर्स्ट टाइम जीएसटी दो के अंदर एक ड्राफ्ट बिल पेश किया गया भैया ऐसा तो होना चाहिए क्योंकि इंडिया को जरूरत है अगर बात करते हैं जीएसटी की तो 2000 में सबसे पहले पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने कमेटी टू ड्राफ्ट जीएसटी मॉडल बोला कि भैया जीएसटी इंडिया के अंदर आना चाहिए फिर 2004 के अंदर भी इसका रिकमेंडेशन किया गया क्योंकि जब वहां पे उन्होंने एक कमेटी बनाया तो 2004 के अंदर अटल बिहारी नहीं रहे थे आ, मतलब कि प्रधानमंत्री नहीं रहे तो वहां से तो हट ही गए तो जो कमेटी बनाया तो कमेटी या गवर्नमेंट अधिकारी की मैं बात करूं मान लेते हैं आप आई ऑफिसर बनते हो तो आपको किसकी बात माननी होगी जो नेता करंट में है उसी की बात माननी पड़ेगी बेसिक सी बातें हैं कि अगर आज मोदी है तो मोदी की बात मान रही है कल राहुल गांधी होंगे तो राहुल गांधी की बात मान रही है तो जो ये कमेटी बना था तो ये कमेटी अब अटल बिहारी वाजपेयी को तो वो सारी चीजें डिटेल नहीं बता सकते थे तो इन्होंने बताया दो में जो कि केलकर टास्क फोर्स के नाम से वो कमेटी बनाया गया था जीएसटी मस्ट बी इंप्लीमेंट उन्होंने बोला कि भैया जीएसटी को इंप्लीमेंट करिए और उससे ठीक रहेगा उसके बाद फिर 2006 मैंने पहले 2008 बताया 2006 के अंदर हमारा अनाउंस जब 2004 में बताया गया तो फिर बजट आया पी चिदम्बरम पी चिदम्बरम हमारे देश के एक टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं तो पी चिदम्बरम ने बोला कि भैया 2006 हजार में सात में हम जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एक अप्रैल दो से वहां पर डिसाइड बन गया था लेकिन दो में भी फिर से जीएसटी नहीं आ पाया 2014 में जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट बनी उन्होंने क्या करा अमेंडमेंट संविधान को ही अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हम जी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल होता है इसके अंदर तो हम उस आर्टिकल पे नहीं जाते अभी फिलहाल आर्टिकल 356 है एक उसमें कहता है कि किसी भी जब संविधान बना था बोला गया कि किसी भी देश को अगर कोई भी कानून बनाना है तो वो जो वहां के लॉ है और जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग बनेगा तो वहां पे जीएसटी बनाने का कोई एंट्री गेट नहीं था तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन किया गया गया अमेंडमेंट हुआ इस बिल के अंदर बताया कि भैया लोकसभा के अंदर बनाया गया और लोकसभा में तो पता ही है कि दो में पास हो ही जाना था वहां तो रुकने वाले कोई सवाल नहीं था क्योंकि लोकसभा के अंदर मोदी की मेजोरिटी थी गवर्नमेंट सिंगल अपने अपने पावर पे वो लेके आए थे कितनी सीटें थी 283 समथिंग सीटें आई थी उनकी टोटल कितने सीटें होती है यहाँ पे तो थोड़ा सा मैं बता दू लोकसभा और राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा के अंदर और राज्यसभा जो उस टाइम का अभी करंट का सनेरियो है ये ये अलग अलग पार्टी के अपने अपने कलर है अपने अपने जो भी वो मार्क लेके चलते हैं उसके अकॉर्डिंग है तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे देखा जाए तो छोटी सी चीजें हैं एमपी आपका प्रधानमंत्री बनेगा तो वो फाइव फोर्टी थ्री सीटों पे चुनाव लड़ता है इसमें से अगर वो फिफ्टी परसेंट से अब यानी कहानी है फिफ्टी वन परसेंट अगर उनके एमपीज हो जाते हैं तो वो जीत जाएगा तो बीजेपी का देखो ये फिफ्टी परसेंट से क्या है अब है लगभग ये सारा बीजेपी का सारा है इसलिए वो अभी प्रधानमंत्री है ठीक है इसके बाद हमारे जो राज्यसभा होते हैं उसके अंदर 245 है तो 245 का भी मान लीजिए 50% परसेंट अब, अब कितना होगा तो जो भी हमारा नंबर निकल के आता है जैसे कि हमारा लगभग लगभग एक तेईस के आसपास निकल के आएगा 123 जिसके सीटें आ जाएगी वो क्या होगा अगर यहाँ पे आपके 123 मेंबर आ जाते हैं और यहाँ पे 143 का आप मान के चलेंगे तो 280 के आसपास मान लेते हैं 280। अगर आपके यहाँ पे आप ही का पर्सन कोई 280 सो यहाँ पे है और यहाँ पे आपका पर्सन कितने हैं वन वन दोनों जगह अगर आपके बंद आपके पर्सन बैठे हुए हैं तो आप देश के अंदर कोई भी कानून बनाइए बाकी जो भी कुछ भी करता रहे कुछ भी करता रहे बदल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे भी पास हो जाएगा इजीली यहाँ पे भी पास होगा राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार इन्हीं को ही होता है राष्ट्रपति भी कैसे चुना जाएगा इन्हीं में से सभी लोग जो 51 परसेंट बोलेंगे इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाओ तो राष्ट्रपति बन जाएगा तो बट ऑब्वियस है कि ये उन्हीं को राष्ट्रपति बनाना समझेंगे जो उनकी बात को मानेगा आगे चल के तो रिकमेंडेशन भी यही देंगे तो राष्ट्रपति भी इनका हो गया जो सिग्नेचर करने वाला है और यहाँ पे भी और यहाँ पे तो इस तरीके से जीएसटी लाया जा सकता है तो थ्री सेवेंटी जो था ना आर्टिकल तीन सौ सत्तर वो थोड़ा सा अलग मुद्दा है वो आने का यही पर्पज था कि इन्हो राष्ट्रपति इनका था यहाँ पे इन्होंने क्या करा ज्यादा मेजोरिटी ले रखा था और अगर किसी राज्य के अंदर किसी राज्य के अंदर मान लेते हैं कोई ऐसा राज्य है जहां पे गवर्नमेंट है ही नहीं जहां पे मुख्यमंत्री नहीं होता भारत के अंदर भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे मुख्यमंत्री नहीं होता है जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल लू तो आपका लक्षद्वीप या चंडीगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री कोई भी नहीं है उसको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी उनको गवर्न करने की सारी जिम्मेवारी किसकी होती है सर सेंटर की ही जिम्मेवारी होती है तो हमारे भारत के अंदर भी कुछ ऐसे टेरिटरी हैं जहां पे मुख्यमंत्री नहीं होते हैं सर कौन कौन से ऐसे टेरिटरी हैं अगर मैं बात करूं आपके सामने तो ये हमारे कुछ टेरिटरी हैं जिसको के मैं नाम दूंगा जैसे अंडमान एंड निकोबार चंडीगढ़ दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दीव जम्मू एंड कश्मीर पहले ये अलग स्टेट हुआ करता था लेकिन जब 370 सेवेंटी हट गया तो ये नहीं रहा इसके बाद आपका लक्षदीप समूह ये सारे ऐसे हैं जहां पे मुख्यमंत्री को हटा दिया बोला भैया तू यहां मुख्यमंत्री नहीं रहेगा क्योंकि ये सारे ऐसे सेंसिटिव एरिया है मुख्यमंत्री को दिया तो पता चला कि उसने कब्जा करवा लिया किसी और देश से ये सारे ऐसे एरिया हैं। जैसे कि मान लो आपका जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर है यहां पे अब भाई यहां पे मुख्यमंत्री होगा अपने फायदे के लिए वोट देने के चक्कर में पता चला कि भाई वहां पे एक राज्य से दूसरे राज्य से पैसे वैसे के चक्कर में कुछ कर लिया तो ये ऐसे सेंसिटिव एरिया है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भैया यहां पे तो हम ही करेंगे राज क्योंकि जितने भी आर्म फोर्स है वो किसके अंडर होते हैं आर्मी सेंटर के तो बोलता है भाई हमारी बातें मानेंगे तुम तो हटवा दोगे तो इन जगह पे सेंटर ही राज करती है ज्यादा से ज्यादा तो इनको क्या बोला जाता है सर यूनियन टेरिटरी इनको क्या बोला जाता है यूनियन टेरिटरी इसके बाद बात करते हैं सर 2016 के अंदर क्योंकि 2019 में दूसरा चुनाव आता है 2016 के अंदर हुआ क्या 2016 के अंदर अमेंडमेंट आया बिल के अंदर पास आपका राज्यसभा में भी पास हो गया और इसको अमेंड कर दिया गया सर 2016 में क्यों 2014 में क्यों नहीं हो पाया क्योंकि 2016 तक जो बीजेपी है बहुत सारा राज्य जीत चुकी थी वो हरियाणा को भी जीत चुकी थी वो यूपी को भी जीत चुकी थी इनफैक्ट पंजाब में भी उसी की गवर्नमेंट थी जम्मू एंड कश्मीर में भी कहीं कही ना कहीं उसी की दोनों की मिली गवर्नमेंट थी तो दो तक बहुत सारे राज्य पे जो मैंने यहाँ पिक्चर दिखाया बहुत सारे राज्यों पर वो कब्जा कर चुकी थी दो और उस तरीके से इसने क्या करा सिंपली बिल को पास करा दिया लेकिन यहां पे आपको लगेगा सर ऐसे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है तो यहां पे तो सरकार का कोई एथिक रहा ही नहीं ना कि आप बन गए दोनों जगह तो आप जो मर्जी कर दीजिएगा ऐसा गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो एक गलत मैसेज जाएगा लोगों के पास सर गलत मैसेज क्या जाएगा लोगों के पास कि हम कुछ भी गलत कर रहे हैं जैसे कि एक टाइम पे आपने इमरजेंसी का नाम सुना होगा इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगा था उस टाइम पे बहुत लोगों के अपने ओपिनियन है सर कोई बोलता है गलत है कोई बोलता है सही है वहां पे लोगों से सारी उसकी आजादी छीन ली गई थी क्या छीन लगी थी कि आप कहीं बाहर नहीं घूम सकते आप बाहर नहीं जा सकते दो से ज्यादा लोग आपस में बातें नहीं कर सकते आप कुछ भी गवर्नमेंट के बिना पूछे नहीं कर सकते तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा कि भैया हम ऐसा तो नहीं करने वाले कि हमारी बदनामी आज तक हो जैसे कि इंदिरा गांधी की सिर्फ उसी के वजह से बदनामी होती है जो कि गवर्नमेंट वो हार गई थी उस टाइम पे तो यहाँ पे भी इन्होंने कोशिश किया कि सर हमारी कोई बदनामी ना हो तो उन्होंने बोला कि भैया जीएसटी का जो केलकर था केलकर कमेटी बनाई गई थी उन्होंने बोला सर जीएसटी को ना आप ऐसे ना ले जो आपका जीएसटी है ना आप एक काम करें सीधी सी बात है आप उनकी मदद तो करेंगे ही करेंगे ऐसा नहीं है तो जीएसटी को पास राज्यसभा से कराना है अगर आपको जीएसटी से तो बड़ी सीधी सी बात है इस पैसे का आप बंटवारा कर दीजिए क्योंकि आपका जीएसटी बिल इसलिए पास नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनको डर लग रहा था कि ये पैसा किसके हाथ में पहुंच जाएगा सेंटर के हाथ में तो आप कुछ ऐसा तरीका निकालिए कि जीएसटी का क्या हो जाए बंटवारा हो जाए जिससे वो क्या हो जाए थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लगे और राज्यसभा में और जितने भी जो अपोज कर रहे हैं वो भी बोले चलो ठीक है इसे आने दो तो 2016 के अंदर इन्होंने फिर से बिल ड्राफ्ट किया और बिल ड्राफ्ट करके ये सारी चीजें लेके आए और दो एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई और जीएसटी काउंसिल क्या होता है कि ये मेंबर होते हैं सभी जीएसटी के राज्यसभा के तो वो चीजें हमारा रहेगा मार्च 2017 में जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन किया उसके बाद उन्होंने बोला कि भैया जीएसटी जो होना चाहिए ना अब हम बता देते हैं कैसे होना चाहिए आपका जीएसटी है बिल्कुल ठीक है कोई इसमें दो राय और कोई दिक्कत है ही नहीं आपके जीएसटी में आप ऐसा करिए जीएसटी तो का पैसा बांटिए तो भैया बांटने का नंबर आया तो बोला गया किस किस में बांटना है तो बोला गया सबसे पहले तो भैया सेंटर का अधिकार होगा सेंटर का अधिकार सबसे पहले होगा जीएसटी में जब बोला सेंटर का अधिकार होगा तो स्टेट ने बोला हमारा भी अधिकार होगा यानी स्टेट ने हमारा भी अधिकार होगा स्टेट ने भी अपना अधिकार मांगा स्टेट के साथ साथ कुछ ऐसा भी था जो कि सेंटर ने एक क्या कहा कि भैया हम चलाते तो उन्हीं को हम ही हैं जो ये थे यहाँ पे ना तो कोई मुख्यमंत्री है ना यहाँ पे कोई सेंटर चलाती है तो इसने बोला कि भैया इनका भी अधिकार अलग से देना पड़ेगा इसको तो यहाँ पे इन्होंने एक अधिकार लेके आए किन के लिए यूनियन टेरिटरी के लिए मैं यूटी लिख रहा हूँ यूनियन टेरिटरी के लिए भी अधिकार रखा गया जब ये रिकमेंडेशन कर रहे थे तो यूनियन टेरिटरी के लिए भी अधिकार रखा गया अब समस्या क्या आई यहाँ पे अब राज्य को दिक्कत ये आ रही थी कि भैया जितना हमें पहले मिल रहा था कम से कम उतना ही अब हमें चाहिए अगर मान लेते हैं हम यूपी की बात करते हैं तो जीएसटी आने से पहले अब वैसे तो यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है वो तो बीजेपी में हाँ हाँ ना ना में वही सेम चलेगा मान लेते हैं जीएसटी आने से पहले इसका पांच हजार करोड़ रुपए का अगर मंथली टैक्स कलेक्शन होता था तो ये चाहते थे कि जीएसटी आने के बाद भी जो हमारे हिस्से में आ रहा है वो भी कितने के बराबर होना चाहिए एटलीस्ट पांच हजार करोड़ तभी तो हम सहमति बनाएंगे तो इस सिचुएशन में वो बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिसके अंदर बोला जाता था कि भैया ये बोलते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए दूसरा बोलते थे अभी भी हमारे साथ आपका गवर्नमेंट बना है तो इस तरीके से होगा तो लोगों ने बोला देखो पहले हमें ना कई सारे टैक्सेस मिला करते थे टोटल इनके पास बीस टैक्सेस हुआ करते थे लेने के लेकिन बीस टैक्सेस भी ऐसे थे जिसका कोई मतलब नहीं था बिल्कुल ना के बराबर तो जो 20 टैक्सिस इनके पास हुआ करते थे उसके अकॉर्डिंगली इसने क्या करा कि बोला कि भैया सेंटर और स्टेट तो इनका अगर मैं देखूं तो सेंटर और स्टेट तो पहले ये पैसा मिलता था किसको सीधा सीधा स्टेट को मैं अगर बात करूं तो ये जो पैसा मिलता था ये स्टेट को मिलता था ये सर सेंटर को मिल ये भी स्टेट को ही मिलता था ये सेंटर को मिलता था ये स्टेट को चला जाता था और ये सेंटर को चला जाता था सेंटर को तो कुछ मिला जुला ऐसा था और भी बहुत सारे टैक्सेस थे तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ऐसे नहीं बनेगी बात कुछ चीजों में हम सब सेक्रीफाइस कर रहे हैं कुछ चीजों में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ चीजों में हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं कुछ चीजों में देखो सबसे ज्यादा जो टैक्स कलेक्शन होता है वो किससे होता है सर एक्साइज ड्यूटी से क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है जब माल बनेगा तो बिकेगा ना और माल बनते टाइम पे ही जो टैक्स लगता था वो किसके पास चला जाता था सेंटर के पास माल बिके या ना बिके बन गया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा तो वहां पे सेंट्रल तो गवर्नमेंट ने सेंटर ने बोला हम इसको छोड़ रहे हैं तो आपको भी ये सारे टैक्सेस को क्या करना पड़ेगा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इसके अंदर अगर हमने फिर से कर दिया कि इतने परसेंट तुम्हारे पास आया इतने परसेंट तो दिक्कत होगी तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है हम एक काम करते हैं बड़ी सीधी सी बात रखते हैं यहाँ पे और बड़ी सीधी सी बात है कि जितना भी टैक्स का कलेक्शन होगा जितना भी गुड्स बनेगा हम भी सैक्रीफाइस कर रहे हैं आप भी सक्रीफाइस कर रहे हो इन दोनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा इन दोनों के बीच में कितना डिवाइड हो जाएगा सर फिफ्टी परसेंट जैसे कि मान लेते हैं सौ रुपए का टैक्स जीएसटी लगा तो पचास रुपए चला जाएगा किसके पास सेंटर के पास और पचास रुपए किसके पास चला जाएगा यानी यह सहमति बना ली गई कि जितना भी टैक्स होगा पूरे इंडिया के अंदर वो फिफ्टी फिफ्टी होगा लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा डायरेक्ट टैक्स को गवर्नमेंट ने बोला डायरेक्ट तो शुरू से हमारा था और अब भी हमारा है तो उसका इससे कोई मिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है वो डायरेक्ट को अलग है वो वो तो हमारा पहले भी था और अब भी हमारा ही रहेगा जो इनकम टैक्स था हम सिर्फ बात इस पर कर रहे हैं बोला गया भैया यूटी तो सेंटर ने बोला इसको भी एक स्टेट की तरीके से हम मानेंगे तो जो भी सी जीएसटी आएगा तो यहां पे भी इनको भी 50 परसेंट दिया जाएगा लेकिन अब जो जीएसटी आता था दिक्कत सबसे ज्यादा बड़ी क्या हुई ध्यान से देखना कि ये हमारा इंडिया है और इंडिया के अंदर बड़े सारे छोटे छोटे राज्य और बड़े राज्य भी हैं हुआ ये यहाँ पे फाइनली कि मान लेते हैं दिल्ली है और दिल्ली के बाद मान लेते हैं यूपी है यूपी और दिल्ली मैंने गलत जगह मैप बना दिया तो मान लेते हैं यूपी और दिल्ली आसपास ही है अब बड़ी सीधी सी बात है यूपी और दिल्ली यहां पे जीएसटी लाने का ना एक मेन पर्पज था कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करना सर कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है पहले टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाया करता था एक ही टैक्स पे मल्टीपल टैक्स लगा करता था टैक्स पे चोरी हो जाया करता था हम आगे देखेंगे वो अकाउंटिंग एस्पेक्ट के अंदर होता क्या था यूपी गवर्नमेंट ने यूपी गवर्नमेंट ने क्या करा सेल कर दिया किसको सेल करा यूपी गवर्नमेंट ने दिल्ली को आप जानेंगे तो दिल्ली के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का कोई यूनिट है ही नहीं बहुत कम है सारा सारा कहा है या तो आपका गुड़गांव चले जाओ और गुड़गांव कहाँ आ जाता है सर हरियाणा में या फिर आप चले जाओ नोएडा यूपी जो कि यूपी में आ जाता है कोई भी सामान यहां से डेली के अंदर आया तो इसके ऊपर टैक्स लगाने की जिम्मेदारी जीएसटी कौन लगाएगा सर इसके अंदर अगर मैं टैक्स लगाने की जिम्मेदारी बताऊं तो जीएसटी जो था वो लगाते थे जीएसटी की बात करें तो जीएसटी कौन लगा रहे थे यहाँ पे योगी योगी गवर्नमेंट यहां पे क्या लगा रहे थे जीएसटी यानी सौ रुपए का सामान ये क्या करते थे दस रुपए महंगा करके बेच रहे थे कितने का एक सौ दस का केजरीवाल के पास कुछ भी नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने क्या करा नोएडा से सामान खरीदा और डेली में आके कंज्यूम कर लिया बड़ी सीधी सी बात है यानी होलसेल में वहां से सामान खरीद के लाता था और डेली के अंदर में क्या करता था बेच देता था तो जो सेंट, जो दिल्ली था केजरीवाल सरकार उन्होंने कहा सर हमारे पास तो कुछ आ ही नहीं रहा मान लिया कि सीजीएसटी आधा आधा हो गया लेकिन आधा आधा में एक तो योगी को चला गया और आधा किसको चला गया मोदी को चला गया आधा आधा लेकिन इसके पास तो कुछ भी नहीं आया तो ऐसे सिचुएशन में एक कंडीशन बन गई कि दिल्ली गवर्नमेंट भी क्या करने लगी कि भैया कोई यूपी से माल नहीं खरीदेगा हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और यहीं बेचेंगे यानी हम किसी और जगह से सामान खरीदना ही बंद करना चाह रहे थे तो अगर हर एक स्टेट ये सोच ले कि हम किसी स्टेट से सामान नहीं खरीदेंगे तो वहां पे ग्रोथ ही रुक जानी थी इंडिया की पूरी की पूरी क्योंकि जब तक आप वहां से एक दूसरे से दूसरे राज्य से सामान लेके नहीं जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन रुक जाना तब बहुत सारी दिक्कतें आनी थी तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया जो यूपी के अंदर बन के यूपी में बिक रहा है तो उसमें तो दिक्कत नहीं है तुम्हें और जो दिल्ली के अंदर बन के दिल्ली के अंदर बिक रहा है उसमें भी तुम्हें केजरीवाल कोई दिक्कत नहीं है बोला कोई दिक्कत नहीं है लेकिन केजरीवाल ने बोला कि ऐसा है ही कहा बहुत कमी बनता है दिल्ली के अंदर तो तो हम बेच रहे हैं तो तो बोला कि देखो जिसके अंदर प्रॉब्लम है यानी यूपी और डेली के अंदर प्रॉब्लम है कि जब सामान एक जगह से दूसरे जगह बन के जा रहा है तो सारी दिक्कत वहां पे है तो हम इस दिक्कत का समाधान एक ही करते हैं कि अगर कोई भी एक जगह से दूसरे जगह सामान लेके जाएगा तो उसके ऊपर जो टैक्स कलेक्शन होगा वो टैक्स कलेक्शन हम किसी स्टेट को देंगे ही नहीं हम क्या करेंगे खुद ही रख लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका निपटारा किया यानी जिस चीज पे आपकी लड़ाई है दो राज्य लड़ रहे हो तो उस लड़ाई को खत्म करने के लिए प्रिंसिपल को बुलाया गया और उसने बोला कि भैया ना तो तुम्हारा और ना तुम्हारा ये टैक्स किसके हाथ में आ जाएगा मेरे हाथ में आ जाएगा और इसको नाम देंगे हम क्या आई इंटीग्रेटेड गुड्स एंड टैक्स उसको नाम दिया गया आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों स्टेट गवर्नमेंट जो थे वो बोले भैया हमारा लड़ने का क्या फायदा जो बेनिफिट था वो कौन ले गया सेंटर लेकिन सेंटर ने बोला रुको आप ऐसा मत समझो कि ये पैसा हम ले रहे हैं इस पैसे को हम अलग जगह पर रखेंगे जैसे आपका जो पहले बजट आपने था कि मंथली आपका पांच करोड़ रुपए बन रहा है पहले आपका बजट कितना था सर पांच हजार करोड़ रुपए मंथली नाव हम ये चेक करेंगे कि अगर आपके पास अभी चार हजार पांच सौ करोड़ रुपए है तो कहीं ना कहीं वो राज्य किस में रह गया जीएसटी आने के बाद घाटे में तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट आई जीएसटी में होगा हम आपको पांच सौ करोड़ रुपए यहां से निकाल के दे देंगे यानी आपकी हम सियोरिटी देते हैं कि आने वाले तीन सालों तक आपकी इनकम को हम इंपेक्ट नहीं होने देंगे तो यानी अब आपको इसमें भी टेंशन खत्म कर दी गवर्नमेंट ने कि भैया आप ले लो जीएसटी आई जीएसटी हमारी इनकम तो उतनी जितनी पहली बन रही थी उतनी आएगी ही आएगी तो गवर्नमेंट ने सियोरिटी दिया कि इस पैसे को हम आपको यहां पे देंगे तो इसमें सारे के राज्य जितने भी थे वो मान गए तो इसी तरीके से हमारा जीएसटी के अंदर जो रिकमेंडेशन किया गया तो पहला बोला गया सर सीजीएसटी होगा मतलब सर सीजीएसटी यानी सेंटर को जो पैसा जाएगा उसको सीजीएसटी बोलेंगे सीजीएसटी जो सेंटर को पैसा जाएगा उसको क्या बोलेंगे सर सीजीएसटी बोलेंगे जो स्टेट को पैसा जाएगा यानी आधा आधा वाली बात चल रही है तो स्टेट को बोला जाएगा तो पहला वर्ड लग जाएगा और जीएसटी तो है ही हमारा तो क्या नाम पड़ गया उसका एस जी जो यूनियन टेरिटरी को जाएगा तो उसका नाम पड़ गया यूटी और जीएसटी तो है ही सर यूनियन टेरिटरी के अंदर कितना होगा सर बराबर बराबर और जो आई जीएसटी आईजीएसटी है तो आईजीएसटी कब लगता है जब एक राज्य की, की सीमा को दूसरी राज्य की सीमा को क्रॉस कर दे एक स्टेट को दूसरा स्टेट क्रॉस कर रहा हो तभी लड़ाई होना था जब उसी स्टेट के अंदर काम चल रहा होता तो कोई लड़ाई वाली बात ही नहीं थी तो बोला गया भैया आईजीएसटी जो है वो किसी के अंदर नहीं बटने वाला ये सिंपल रहेगा और एक परसेंटेज रहेगा जो किसके पास जाना है सेंटर गवर्नमेंट के पास तो ये वाला कब होगा अगर इन सभी की मैं बात करूं अगर मैं इन सभी की बात करूं यहां से लेके यहां तक के पॉइंट्स की बात करूं यानी यहां से यहां तो ये सब एक राज्य के अंदर ही जब हो रहा हो तब और एक राज्य के अंदर यानी विद इन अ स्टेट होता है तो उसे बोलते हैं हम इंट्रा स्टेट, -स्टेट. यानी स्टेट, बनाया जाए खरीदा जाए बेचा जाए तब लगेगा आपका दो प्रकार का टैक्स स्टेट के अंदर लेकिन जैसे ही एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाओगे जिसको बोलते हैं हम इंटर स्टेट इंटर स्टेट तो वहां पे क्या लगेगा सर वहां पे हमारा लगेगा इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरा स्टेट मैं बोल सकता हूं आउट ऑफ स्टेट आउट ऑफ स्टेट एक राज्य से दूसरे राज्य में तब वहां पे क्या लगेगा जीएसटी अगर मैं कहूं कि मैं दिल्ली के अंदर माल बना रहा हूं और दिल्ली में ही बेच रहा हूं और और दो सौ रुपये का टैक्स आया है तो सौ रुपये किसके पास चला जाएगा सेंटर के पास और सौ रुपए चला जाएगा स्टेट के पास अगर मैं कहूं यूपी में ही बना के मैं यूपी के पास बेच रहा हूं यूपी के अंदर ही बेच रहा हूं तो दो जगह चला जाएगा स्टेट के पास और सेंटर अगर मैं कहूं कि यूपी से बना के मैं दिल्ली में बेच रहा हूं तो स्टेट को हमने क्रॉस कर दिया तो अगर सौ दो सौ रुपए का टैक्स बनता है तो दो सौ रुपए टैक्स सारा का सारा किसके पास चला जाएगा सेंटर के पास इसको बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है तो बाकी ये सारा मैकेनिज्म कुछ कुछ लेके आया गया जब ये सारी बातें समझ में आई तो जो गवर्नमेंट है इन्होंने क्या करा ये बिल मार्च में पास हो गया रिकमेंडेशन दिया गया कमेटी ने बोला कि बिल जो है आपका फोर सेंट्रल जीएसटी आपका लगेगा जहां पे चार पार्ट में बांट दिया गया एक दो तीन चार जो कि आपके ये चारों पार्ट थे इस पार्ट में तोड़ दिया गया ये सिर्फ पैसे का बंटवारा करने के लिए था अप्रैल 2017 के अंदर अप्रैल 2017 मार्च खत्म हुआ द अव फॉर सेंट्रल जीएसटी आपका जो भी था जीएसटी था उसके बिल को ऊपर राज्यसभा ने भी बोला चलो भैया हमें समझ में आ गया है और लोकसभा ने भी बोला हमें समझ में आ गया है तो दोनों ने सहमति बनाई और ये चला गया किसके पास राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति ने उसके ऊपर क्या कर दिए साइन कर दिए और ये बन गया एक्ट तो बिल जब एक गवर्नमेंट बोलती है कि हम ये कानून लाएंगे दूसरा बोलता है कि यह नहीं आएगा तो जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होता तब तक उसको हम बिल नाम देते हैं और जैसे ही राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देती है तो उसके बाद क्या बन जाता है वो एक एक्ट बन जाता है वो कानून बन जाता है जिसके हिसाब से आपको चलना ही चलना पड़ेगा इसके लिए इसके बाद आपके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं अनलेस एक्ट खत्म ना कर दिया जाए तो ये गवर्नमेंट के पास पावर होती है इसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया अप्रैल आया क्योंकि अब सब चीज हो ही गया तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया बहुत अच्छा समय है हम फटाफट से काम करते हैं अप्रैल आया अप्रैल के बाद मई जून और एक जुलाई एक जुलाई एक जुलाई को पीएम मोदी ने पीएम मोदी जी ने सहमति बनाया और एक मीटिंग बुलाया रात में करीब था पूरा एक ऑर्गेनाइज़ करके फेस्टिवल के तरीके से बनाया कि आज से हमारा जीएसटी क्या करते हैं अप्लाई अप्लाई कर कर देते देते हैं हैं आज से जीएसटी तो जब जीएसटी बना पूरा वेबसाइट क्योंकि जीएसटी बनाने से नहीं था जीएसटी को फिर किस तरीके से पूरा मैनेज किया जाए इनका वेबसाइट बना सब कुछ बना तो बोला गया कि आज से जीएसटी अप्लाई करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जुलाई 2017 से जीएसटी अप्लाई हो गया एक जुलाई 2017 से पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जीएसटी अप्लाई हो गया लेकिन यहां पे एक्सेप्ट रह गया जम्मू एंड कश्मीर उस टाइम पे वहां की मुख्यमंत्री हुआ करती थी महबूबा मुफ्ती उनसे बोला गया कि भैया आप भी अपने स्टेट के ऊपर आप भी कंसर्न दीजिए जीएसटी लगेगा आपका भलाई है ऐसा रहेगा ये रहेगा वो रहेगा लेकिन उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था उन्होंने बोला हम तो नहीं लगाएंगे उन्हीं बिटवीन द क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या आ गया सर बहुत भयानक एक तरीके से बीच में बाढ़ भी आया था वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आपको जीएसटी पे कंसर नहीं दे रहे आपका टैक्स पे नहीं दे रहे हमारे साथ नहीं दे रहे तो कोई चीज अगर दिक्कत भी आती है तो हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे जो पैसा इनको राशि एक्स्ट्रा दिया जाता है आपने देखा होगा कहीं पे अभी बाढ़ आ जाए तो आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पांच हजार को करोड़ रुपए का या एक हजार करोड़ रुपए का, तो का पैसा होता है तो वो अपना आपदा तो आप अप तो ने जब एग्री नहीं किया तो क्या लगता था कि आपको प्रधानमंत्री उनके ऊपर आपदा आने पर बोलती कि हजार करोड़ रुपए तुम भी अपनी पब्लिक के ऊपर खर्च करो नहीं देती हो गवर्नमेंट तो लास्ट में कुछ दिनों के बाद ठीक सात दिनों के बाद समझ में आया कि इसको महबूबा मुफ्ती को के मान जाने में ही फायदा है तो सात जुलाई सात सात दो हजार सत्रह को पूरे इंडिया के ऊपर जीएसटी अप्लाई हो गया पूरे इंडिया के ऊपर जीएसटी तो ये था हमारे थोड़ा सा एक जीएसटी का बैकग्राउंड के जीएसटी कैसे कैसे बनाया गया कितनी इसमें टेंशन हुई कितने अब जाके और जब जीएसटी आया ना तो बड़ी सारी दिक्कतें थी बहुत दिक्कतें थी इनका वेबसाइट नहीं चल रहा कोई कैसे लगाएगा नहीं लगाएगा क्योंकि नए नए चीजें आए हैं तो लोग अकाउंटेंट भी परेशान हर जगह परेशान कैसे करना है नहीं करना है अब इस जीएसटी को लाने के क्या क्या फायदे हुए हम एक बार उस फायदे को भी देखेंगे जीएसटी को लाने का फायदा क्या था सर हमारा सारा जीएसटी तो आ गया हमने ये भी समझ लिया सर यूनियन टेरिटरी है या फिर हमारा यानी जीएसटी को देखा जाए तो कितने कैटेगरी में बांट दिया गया चार सी जी एस टी एस जी एस टी यूटी जी एस टी और आई जी एस टी आई जी एस टी का पैसा किसके पास जाता है एक बार मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखो पैसा कौन सा कौन सा बंटने वाला है अगर मैं बोलू जीएसटी को तो सर जीएसटी को चार भागों में बांट दिया गया जीएसटी को चार भागों में बांटा गया और इन चारों पैसों का हिसाब किताब कुछ पैसे तो ऐसे कुछ जीएसटी तो ऐसा रहा जैसे गवर्नमेंट बोलती है सर वन नेशन वन टैक्स वहां जब आया था तब गवर्नमेंट ने यही बोला था और हालांकि जीएसटी के अंदर मतलब आप ये समझिए कि जैसे मैंने बताया एम्स कोई भी बीमारी है तो एम्स में जाके वहां इलाज हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बीमारी के लिए एक ही दवाई मिलेगी आपको सेम कोई भी टैक्स है आपका तो वो जीएसटी के अंदर ही आपको जाना पड़ेगा वहीं समाधान मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी पे दस परसेंट फिक्स है तो दस परसेंट ही लगेगा इसके रेट्स अलग अलग है जीरो परसेंट रेट्स है वन परसेंट रेट है फाइव परसेंट रेट है आपका ट्वेल्व परसेंट रेट है एटीन परसेंट रेट है ट्वेंटी एट परसेंट रेट है लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें अट्ठाईस परसेंट से ज्यादा जीएसटी नहीं रखा इसका रखने का एक और भी पर्पज था कि बाहर के लोग जब आएंगे इंडिया में बिजनेस करने के लिए एफ आएगा तो उस सिचुएशन में उनको क्या मिलेगा फायदा वो सोचेंगे इंडिया के अंदर टैक्स जो कॉम्प्लीसिटी है वो नहीं है बहुत ही सरल है तो हम यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं तो 28 परसेंट हमारा रखा गया इसके अंदर क्या जीएसटी मैक्सिमम रेट कितना रखा गया सर मैक्सिमम रेट रखा गया 28 परसेंट लेकिन गवर्नमेंट ने चलाकी करी गवर्नमेंट ने क्या चलाकी करी कि भैया कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जहां पे उनको ह्यूज लॉस हो रहा था बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था जिसके ऊपर टैक्स 200 परसेंट के तक भी वो लगा रहे थे पहले 100 परसेंट से ऊपर का भी टैक्स पहले लगाया जा रहा था गवर्नमेंट ने कहा हमने मैक्सिमम रेट जहां 28 कर दिया तो जिसके ऊपर दो सौ रुपए का सामान है मान लेते हैं सौ रुपए का सामान अगर हम तीन सौ रुपए में बेच रहे हैं तो अब तो हमें एक सौ अट्ठाइस रुपए से ज्यादा का टैक्स ही नहीं आएगा जिसमें से था दो चीजें एक था पेट्रोल और दूसरा था वाइन यानी जो भी आपका वाइन था इसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता है और पेट्रोल के ऊपर भी बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता है आप कैलकुलेट जब करोगे ना कई बार तो पेट्रोल पे आप पाओगे कि कम से कम हमारा अगर सारे टैक्सेस हटा देना पेट्रोल तो भारत के अंदर अभी इतनी महंगाई होने के बाद भी शायद 25-30 रुपए लीटर पेट्रोल आपको मिलेगा इससे ज्यादा महंगा नहीं होगा लेकिन सिर्फ टैक्स लगाने की वजह से ये क्या हो जाता है हमारा सौ रुपए के और सौ प्लस हो गया इनफैक्ट हंड्रेड प्लस में बिकता है ऐसे वाइन की बात करूं मैं तो वाइन आप देख लो जैसे गोवा के अंदर क्या करा हुआ है उन्होंने टैक्स फ्री करा हुआ है तो गोवा के अंदर जब टैक्स फ्री करा हुआ है तो जो वाइन जो यहां एक बॉटल यहां पे पांच रुपए की है शायद वहां पे सौ डेढ़ रुपए की मिल जाती होगी मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है लेकिन टैक्स के हिसाब से देखा जाए तो हाँ तो वो चीजें ना वहां टैक्स के पर्पज से तो गवर्नमेंट ने क्या चलाखी करी कि भैया पेट्रोल को और वाइन को इस कैटेगरी में रखेंगे ही नहीं हमने बोला पेट्रोल जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस बट एक्सेप्ट द पेट्रोल एंड वाइन कुछ और प्रोडक्ट को रख दिया गया बोला गया पेट्रोल पे जैसे पहले कहानी चल रही थी वैट अभी भी वैट जिंदा रहेगा और वाइन के ऊपर जैसे पहले कहानी था सर्विस टैक्स वैट अभी भी वैसे ही चलता रहेगा तो पेट्रोल और वाइन के ऊपर अभी भी जीएसटी नहीं लगता है उसके ऊपर वही पुराना टैक्स लग रहा है जो कि है वेट सर्विस टैक्स जो भी था हमारा पुराना रीजन उनके पीछे गवर्नमेंट का यह दिया गया तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया पेट्रोल को भी लेके आओ जीएसटी के अंदर तो पेट्रोल को लाया नहीं जा सकता क्योंकि मेन इनकम का सोर्स वही है हां पेट्रोल मैं ये जानता हूं कि आने वाले 10 से 12 सालों के अंदर पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लेके आएंगे जब ईवी का बहुत ज्यादा ट्रेंड हो जाएगा जब पेट्रोल का कंजम्पशन क्या हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा तब जाके वो क्या करेंगे पेट्रोल को भी जीएसटी के अंदर कवर कर लेंगे और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा उस टाइम पे और रहा वाइन का तो कुछ चीजें ऐसा होता है जिसमें गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड किया जाए लिमिटेड रखा जाए जिसमें से एक वाइन है तो उस केस के अंदर उसे क्या कर दिया जाता है कि थोड़ा टैक्स बढ़ा के महंगा दिया जाता है आप लॉकडाउन में भी देखोगे तो गवर्नमेंट का इतना बड़ा इनकम का सोर्स था कि लॉकडाउन में स्कूल से पहले शराब की दुकानें खोली गई थी मेन रीजन यही था कि वहां से ज्यादा टैक्स आएगा लॉकडाउन के अंदर देखो लॉकडाउन क्या था दो साल दो साल का ऐसा था सिचुएशन

उसके बाद स्कूल कॉलेजेस से उनका कोई रेवेन्यू का सोर्स ही नहीं रहता गवर्नमेंट का बल्कि उनको देना पड़ता है इसलिए सबसे एंड में इनको लेके गए मेजरली इनका यह कॉन्सेप्ट था चलिए हम जीएसटी की बात करते हैं सर जीएसटी की बात करें तो एक तो टैक्स हो सकता है जिसे हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट इंट्रा मतलब विद इन स्टेट अभी इनके अकाउंटिंग एस्पेक्ट भी देखेंगे हम कि सर अकाउंटिंग एस्पेक्ट है क्या और उसके हिसाब से फिर हम इसको सोचेंगे इंट्रा स्टेट मतलब सर विद इन स्टेट अब स्टेट भी देखो तो दो तरीके के हो जाते हैं सर एक तो वो बिल्कुल अकेला यूनियन टेरिटरी हो जाता है और एक नॉर्मल जो हमारा यूपी राजस्थान बंगाल बिहार ये सब है ये भी हमारा स्टेट है तो कुछ जगह पे जब इंट्रा स्टेट बोलते हैं विद इन स्टेट तो कुछ जगह पे क्या सीजीएसटी जो है वो हर जगह जिंदा है सीजीएसटी ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हम तो पूरा चाह रहे थे लेने के लिए लेकिन फिर बाद में सहमति बनाएंगे सीएजीएसटी तो होगा ही हर जगह इसके अंदर प्लस हो सकता है एस जी एस भी प्लस किया जा सकता है यानी अगर किसी राज्य में हम हैं तो सर क्या लगेगा सीजीएसटी एस जीएसटी लेकिन अगर राज्य नहीं है वो यूनियन टेरिटरी है तो सी तो रहेगा ही रहेगा और उसमें प्लस क्या हो जाएगा सर यूटी जीएसटी उसमें प्लस क्या हो जाएगा यूटी जीएसटी यानी बड़ी सीधी सी बात है अगर आप स्टेट के अंदर अंदर काम करते हैं या यूनियन टेरिटरी के अंदर काम करते हैं तो सर टैक्स का दो बंटवारा होगा एक कहां होगा सर सेंटर के पास और एक कहां होगा स्टेट के पास कितना होगा भैया जो भी रेट है अगर दस परसेंट का रेट है तो पांच पांच परसेंट बांट लेंगे और अगर पंद्रह परसेंट का रेट है तो साढ़े सात वैसे जो रेट अठारह परसेंट बारह परसेंट आप कई बार देखिएगा बिल को देखिएगा वहां पे लिखा होगा जीएसटी तो वहां पर देखिएगा दोनों रेट को आधा आधा कर रहा होगा उन्होंने ठीक है एस जी और तो वो रेट आधा आधा चला जाता है उनके ऊपर पास इसके बाद देखा जाए अगर आप करते हो इंटर स्टेट इंटर स्टेट इंटर स्टेट की अगर मैं बात करूं तो सर इंटर स्टेट क्या होता है इंटर स्टेट होता है हमारा आउट ऑफ स्टेट बड़ा सीधे लैंग्वेज में बोले आउट ऑफ स्टेट यानी सिंपल सी बात है सर यूपी और दिल्ली मैंने एक एग्जांपल ले लिया ताकि आपको याद रहे सर अगर हम बात करें इंटर स्टेट की तो इंटर स्टेट के, के केस में क्या होने वाला है यहाँ पे सिर्फ अकेला एक ही राज करेगा आई जीएसटी और कुछ भी नहीं रहने वाला है अगर मैं अकाउंटिंग से बोलू कि मैंने एक सामान दिल्ली में खरीदा और दिल्ली में ही बेच दिया तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा अगर मैं बोलू एक सामान मैंने दिल्ली से खरीद के पंजाब में बेचा तो वहां पे क्या लग जाएगा आई जीएसटी इस वाले केस में हमारा रेट डिवाइड नहीं होने वाला इस वाले में हमारा रेट डिवाइड नहीं हो रहा हाँ बच्चे सर फंडा नहीं फंडामेंटल नहीं कराऊंगा मैं पहले अभी जीएसटी का देख लू चलिए आगे टू बी कंटिन्यू चलते हैं अकाउंटिंग एस्पेक्ट देख ले क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है इससे ना हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा बिल्डअप हो जाएगा अभी तक हमें ये समझ में आ गया इसका नामकरण समझ में आ गया कि क्यों है ऐसा नाम और इसके मतलब समझ में आ गए कि भैया इसका क्या क्या मतलब था क्या पर्पस था क्या ओरिजन था वैसे तो बैकग्राउंड बहुत बड़ा है लेकिन मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है इसको हाँ बिल्कुल ये थोड़ा शॉर्ट में ही रखा है चलिए अब देखिए सबसे पहले सामान बन के निकलता था मैं पहले की बात बताता हूं पुरानी बात सबसे पहले सामान जो बनता था ना वो बनता था फैक्ट्री में सर फैक्ट्री के अंदर एक गुड्स बनाया गया सौ रुपए का मैं पुरानी बात कर रहा हूं और इस सौ रुपए पे सरकार ने बोला एज्यूम लेंगे जो कि हमारा पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था हम टैक्स लेंगे या एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था वो टैक्स लेंगे दस रुपए दया एक सौ दस सर सौ रुपए का इसने सामान खरीदा बेचने के लिए तैयार हुआ सौ रुपए का और सामान दस एक सौ दस तो ये सामान किसको बेचेगा ये सामान बट ऑब्वियस सी बात है कि ये बेचेगा किसी ना किसी दुकानदार को फैक्ट्री से सीधा जाएगा किसके पास सर एक दुकानदार के पास जाएगा जिसे रिटेलर कह देते हैं दुकानदार ज्यादा लंबी चेन ना करके एक दुकानदार कह देते हैं सर जब दुकानदार के पास गया तो दुकानदार ने इससे जब सामान खरीदा तो बट ऑब्यस है कि इसको जो गुड्स मिला वो गुड्स मिला सर कितने का सर

पैंसठ रुपए एक सौ पैंसठ रुपए का जब इसका टैक्स बना तो इसने क्या करा जो भी इसके पास कस्टमर आएगा फाइनली इस कस्टमर को जब भी ये प्रोडक्ट बेचेगा एक्स वाई जेड जो भी प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ जब भी इसको ये प्रोडक्ट बेचेगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या होने वाला है सर जब कभी भी प्रोडक्ट बेचा जाएगा तो ये प्रोडक्ट इसको बेचा जाएगा एक पैंसठ रुपए का तो आप एक, एक चीज सोचिए सामान कितने का था सर सामान सौ का था सौ रुपए के ऊपर चालीस का प्रॉफिट मान लो चालीस का क्या मान लो प्रॉफिट मान लो तो चालीस का प्रॉफिट एक सौ चालीस तो कम से कम इसको देखा जाए तो टैक्स इसे ना ज्यादा देना पड़ रहा है टैक्स ज्यादा इसलिए देना पड़ रहा है अभी फटाफट से देखेंगे ये पहले पुरानी कहानी थी अब नई कहानी में गवर्नमेंट ने क्या करा हालांकि गवर्नमेंट का भी बहुत नुकसान हुआ है इसमें लेकिन कई बार ना गवर्नमेंट अपना नुकसान बियर कर लेती है क्यों अभी देखिएगा क्योंकि कुछ चीजें अच्छी करनी होती है ना तो उनको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है हमेशा गवर्नमेंट क्या करती है एक मुद्दे तक अपना पेट भरेगी लेकिन फिर पब्लिक के बारे में जरूर सोचेगी फैक्ट्री फैक्ट्री के ऊपर टैक्स कितना लगा सर गुड्स कितने का था सर गुड्स था सौ रुपए का इसके ऊपर टैक्स कितना लगा अब जीएसटी की बात करते हैं दस रुपए लगा टोटल सामान कितने का हो गया एक सौ दस का फैक्ट्री के बाद सामान कहां उठ के जाता है हमारा सर फैक्ट्री के बाद हमारा जाता है दुकान पे फैक्ट्री के पास सामान कहा गया दुकानदार के पास दुकानदार के पास सर जब दुकानदार के पास गया ये तो ऐसे सिचुएशन में दुकानदार ने क्या करा इसको सामान कितने का मिला एक सौ दस रुपए का दुकानदार को ये सामान जो मिला ना वो मिला सर एक सौ दस रुपए का अब दुकानदार ने बोला कि मैं इसके ऊपर टैक्स मैं चालीस रुपए का प्रॉफिट ऐड करूंगा तो कितने का हो गया एक सौ पचास रुपए लेकिन यहां पर डेवलप किया पहले भी कॉन्सेप्ट था लेकिन यहां पे क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि ये दस रुपए जो ये वाला दस रुपए है ये फैक्ट्री के ऑनर का जो भी फैक्ट्री था उसकी जिम्मेदारी थी किसको जमा करवा देना गवर्नमेंट को तो ये दस रुपए इसने उठा के क्या करा सर ये वाला जो दस रुपए था इसने उठा के किसको जमा करवा दिया गवर्नमेंट को यहां भी इसने जमा करवाया अब यहां पर दस जो इसने पेमेंट किया था अब इसकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये टैक्स वसूले कितना टैक्स वसूलेगा वो हम देखते हैं तो इसका जो सामान है ना ये जो दस रुपए है एक्चुअल इसके सामान की बाईफिकेशन जो बिल की करें तो सौ और प्लस में दस है गवर्नमेंट ने कहा भैया तू सौ पे ही प्रॉफिट जोड़ेगा और उस पर टैक्स लगाएगा यानी तू सौ के ऊपर अपना चालीस रुपये प्रॉफिट मार्जिन जोड़ ले तेरा बनता है एक सौ पचास रुपए अब इसके ऊपर तू टैक्स लगा एक सौ चालीस अब इसके ऊपर टैक्स लगा यानी कितना बन गया हमारा एक सौ चालीस पे टैक्स लगाएंगे हम तो गवर्नमेंट ने कहा इसके ऊपर टैक्स लगा दैट इज और ये 14 रुपीस मुझे पूरा मत जमा करवा तूने तूने पहले पहले ही जो जो तेरे नाम जो पहले पुराने दुकानदार था ना जिससे सामान खरीदा था उसको तूने दस रुपए दिया मेरे पास तेरे नाम के ही दस रुपए आए हैं तो अब तेरे पास कितना तूने कस्टमर से वसूल लिया सर अगर कस्टमर से देखा जाए तो अब जो ये सामान बिकेगा वो किसके पास बिकेगा सर ये कस्टमर के पास जाएगा कस्टमर से मैं तुझे कितना वसूलने की बात कर रहा हूं कस्टमर से तू कितना वसूलेगा सर तू कस्टमर से कितना वन फिफ्टी फोर की तो चिंता मत कर तू कस्टमर से वन फिफ्टी फोर को ही वसूल और तेरे पास कस्टमर से कितने आ गए टैक्स के नाम का यानी वन का बाइफिकेशन बताऊं तो तेरा ये बना 140 तेरे थे और चौदह रुपए तूने कस्टमर से लिए तो एक सौ चौवन रुपए कस्टमर से ले लिए तो तेरे पास कस्टमर के कितने पैसे आ गए चौदह रुपए पास कस्टमर के जमा हो गए टैक्स और, तो मतलब और दे दे सरकार को टोटल चौदह रुपए से मतलब था टैक्स क्योंकि पूरे सामान पे कितने रुपए का टैक्स लगा था एंड तक जाते जाते चौदह तो सरकार को चौदह रुपए चाहिए था अब चेन से टुकड़ों में मिल जाए कहीं से पांच मिला कहीं से सात मिला कहीं से आठ मिला टोटल ओवरऑल कितना चाहिए सरकार को चौदह रुपए चाहिए तो ऐसे सिचुएशन में देखा तो देखो यहां पे गवर्नमेंट को दस मिल गया और इससे कितना मिल गया गवर्नमेंट को चार तो गवर्नमेंट के पास चौदह चला गया और प्रोडक्ट की कीमत कीमत भी कितनी कितनी हो गई 154 रुपे, 154 रुपे, तो तो यानी पहले जो प्रोडक्ट की कीमत कितनी थी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट क्या हो गया सस्ता हो गया लोगों ने इसका बहुत नाजायज फायदा उठाया जीएसटी लग गया जीएसटी लग गया जीएसटी लग गया पहले भी लगा करता था वैट उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया कस्टमर को फायदा पहुंचने ही नहीं दिया गया उन्होंने क्या करा जहां पहले चालीस रुपए का प्रॉफिट था उन्होंने बोला पहले कस्टमर पैंसठ में ले ही रहे थे तो अब चूंतू में एक सौ में उसने क्या करा यहाँ पे अपना प्रॉफिट मार्जिन एडजस्टमेंट करके बढ़ा दिया और इनफैक्ट ज्यादा भी कर दिया कि सर अब तो जीएसटी लग गया है रेट बढ़ गए हैं तो लोगों ने मैं बात करूं तो दुकानदारों ने पैसे बनाए हैं यहां पे जीएसटी आने के बाद गवाए नहीं है मेरे हिसाब से तो पहले देखो गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स जाता था गवर्नमेंट के पास पहले दस रुपए गया और यहां से कितना चला गया इसने दस रुपए मान लो अपना रिसीव भी कर लिया तो पांच रुपए यहां से गवर्नमेंट के पास गया तो पहले गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स जाया करता था पंद्रह रुपए और अब कितना जा रहा है गवर्नमेंट के पास चौदह रुपए गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं लॉस तो है लेकिन उसका एक यहां पर जो था ना यहां पर क्या हुआ था कि सर आप एक के ऊपर टैक्स लगा रहे हो एक का मतलब है सर जो ये दस की वैल्यू है ये तो टैक्स है आप इस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हो कहने का मतलब उनका था तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था पहले जिससे सामान क्या हो जाता था क्योंकि टैक्स का मैकेनिज्म कहता है कि आप टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे आप सिर्फ टैक्स लगाएंगे किस पे सामान के ऊपर ठीक है ना सामान के ऊपर टैक्स लगाएंगे आप तो उस सिचुएशन के अंदर जब जीएसटी आया तो जीएसटी से एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर पूछा जाए कि भैया जीएसटी के फायदे क्या है तो सबसे पहली बात बोलूंगा सिंपल है ठीक है ना लोगों की सुनी बातों में नहीं जाना आपने आप भी देखोगे कि सारे टैक्स कट गए फायदे क्या है जीएसटी के जीएसटी बड़ा सिंपल है दूसरा जीएसटी के और फायदे क्या है के? यहां पे टैक्स चोरी होने की संभावना खत्म हो गई पहले यहां पे क्या होता था टैक्स चोरी वैसे टैक्स चोरी अगर मैं बताऊं तो इंडिया के अंदर अगर बोले इंडिया के कहीं भी हर जगह पे अपने अपने कुछ ना कुछ ड्रॉबैक हैं तो चोरी तो अब भी जैसे भी करना है कर लेते हैं लेकिन पहले की कंपैरेटिवली बहुत कम चोरी होने लगा बहुत कम क्योंकि चोरी और टैक्स के अंदर चोरी होने का मेन था रीजन गवर्नमेंट ने समझा जो कि पहले की गवर्नमेंट नहीं समझ पाई कि लोगों से मिलने ना दिया जाए यानी पहले हम जाते थे मिलने के लिए एक करोड़ रुपए का टैक्स है जिस इंस्पेक्टर के पास जा रहे थे मिलने के लिए जो हमारे जीएसटी का टैक्स का, का काम देख रहा था उससे बात कर रहे थे उन्होंने बोला भैया एक करोड़ रुपए का टैक्स भरो मैंने बोला कुछ देख लो कुछ करवा दो थोड़ा कम हो जाए उसने ठीक है चालीस लाख रुपए दे दो बात बन जाएगी अब एक सरकारी नौकरी के अधिकारी को अगर एक साथ चालीस लाख रुपए जिसके चालीस हजार रुपए की तनख्वाह है चालीस लाख रुपए एक बार दिखेगा तो वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट बना के दे देगा अरे ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया था यहाँ पे गलती हो गई थी पे तो उस तरीके से क्या हुआ कि उसके भी पैसे बच गए और उसके तो यहाँ पे क्या हो गया एक तरीके से आपका रिश्वत ज्यादा था गवर्नमेंट ने कह दिया फीस लेस मतलब कोई जाएगा ही नहीं मिलने अब जहां मिलने नहीं जाओगे अगर आपकी फीस ऑफलाइन जमा करी जाती है तो आप मान लेते हैं कि कोई भी सर्विस लेते हो अगर ऐसा हो ना जैसे कि फोन रिचार्ज फोन रिचार्ज का अगर सर्विसेज ऑफलाइन था तो आप दुकानदार से बोल भी देते थे कि भैया थोड़े से कम पैसे ले लो बाद में ले लेंगे दुकानदार अगर सामने फेस टू फेस उसी का ऑनर हो लेकिन अगर वही चीज ऑनलाइन कर दी जाती है तो आपके पास कोई चारा ही नहीं है किससे बोलोगे जाके रिक्वेस्ट करने के लिए कोई है ही नहीं यानी जो आपको पोर्टल में दिख रहा है वही करना नहीं करोगे तो वो पेनल्टी क्या होता जाता है बढ़ता जाएगा अब आपको डर भी रहेगा यार पेनल्टी बढ़ रहा है किससे बोले आवाज किसके पास उठाए तो गवर्नमेंट ने वही सिस्टम हटा दिया ऐसा नहीं है क्या होता होता नहीं होता है है असेसमेंट जो गवर्नमेंट को लगता है कि इसके में फ्रॉड के कॉन्सेप्ट ज्यादा लग रहे हैं फिर गवर्नमेंट उसको फोन करके बुला लेती है अब भाई आजा अब क्या काम करना है तो वहां पे अभी भी फ्रॉड थोड़ा बहुत चल जाता है तो सबसे पहले क्या था हमारा बेनिफिट सर बेनिफिट यह है कि टैक्स का कैश कैडिंग इफेक्ट जो बोलते हैं ना टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता है इसको बोलते हैं कैश कैडिंग इफेक्ट तो जीएसटी आने के बाद हमारा कैश कैडिंग इफेक्ट जो था वो हट गया जीएसटी का जो हमारा टैक्स इवेजन होता था टैक्स की चोरी हो जाए करती थी वो बच गया जीएसटी आने के बाद क्या हो गया सिंप्लिसिटी हो गया जीएसटी आने के बाद लोगों को रोजगार ज्यादा मिलने लग गए जीएसटी आने के बाद एफडीआई यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आने लग गया जीएसटी आने के बाद हम एक पॉइंट एड कर सकते हैं कि सरकार के पास कलेक्शन ज्यादा होने लग गए कंपेयर टू बिफोर क्योंकि पहले सरकार को टैक्स पंद्रह दिख रहा है लेकिन वो क्या करते थे फेस टू फेस मिलकर सेटलमेंट कर लेते थे पांच रुपए में जाके तो गवर्नमेंट के पास तो कितना गया पांच ही गया ना और बाकी तो जा ही नहीं पाया लेकिन यहां पे सेटलमेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं है दस है तो भैया दस ही जा रहा है यहाँ पे तो ये कहानी आई टोटल जीएसटी का अब जो इसने किया ना चौदह रुपए में से दस रुपए को जो माइनस कर लिया ना इसने इसका टैक्स कितना कस्टमर से वसूला था इसने चौदह रुपए उसमें से कितने माइनस कर दिया सर इसने दस रुपए माइनस कर दिया इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इनपुट क्रेडिट इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इनपुट क्रेडिट इनपुट क्रेडिट ठीक है तो आगे हम चलते हैं सर जीएसटी यानी सर जीएसटी की बात करें तो हम सीजीएसटी और जीएसटी की बात करें तो अब किस पे लगेगा सर यह सामान को खरीदने पे भी लगता है और सामान को बेचने पे भी जैसे कि मैं रिटेलर की बात करूं तो जब मैंने सामान खरीदा था अगर आप देखते हो मैं रिटेलर हूं तो मैंने सामान खरीदा था तब भी मैंने टैक्स दिया था और जब मैंने सामान बेचा मैंने तब भी टैक्स दिया यानी सामान को खरीदते टाइम पे भी टैक्स देना पड़ रहा है सामान को बेचते टाइम पे तो जब सामान को खरीदते टाइम पे यानी जब सामान हमारे पास आ रहा है तो इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी क्या बोलेंगे इसको इनपुट और जब सामान को बेचते टाइम पे टैक्स लग रहा है उसे बोलेंगे आउटपुट जीएसटी अगर देखा जाए यहां पे तो जीएसटी के भी दो पार्ट हो गए यहां पे सर एक होगा हमारा इनपुट सीजीएसटी और एक होगा इनपुट आउटपुट सी जी एस टी यानी सर सामान को जब खरीदेंगे कब लगेगा इनपुट कब लगेगा आउटपुट ये समझिएगा जब कभी आप परचेज करेंगे जब कभी भी आप पेमेंट करेंगे मैक्सिमम टाइम पे पेमेंट का मतलब नहीं है आप पेमेंट का मतलब है आप रेंट पेमेंट करेंगे तब भी आपको जीएसटी इनपुट रहेगा आपका मैंने इनपुट लिखा ना हाँ इनपुट तो जब कभी भी आप कोई चीज परचेज करते हैं या कुछ पेमेंट करते हैं जहां जीएसटी लगता है तो वहां पे कौन सा रहेगा हमेशा इनपुट सर आउटपुट कब लगने वाला है जब आप क्या करेंगे सर सेल्स करेंगे और नंबर दो जब आप क्या करेंगे रिसीव करेंगे जैसे मैंने सपोज करो मैंने कहा कि एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी लगता है इंटरेस्ट के ऊपर अब मैंने इंटरेस्ट का जीएसटी दिया है इंटरेस्ट मैंने पेड किया है तो जीएसटी लगा होगा तो ये इनपुट वाला जीएसटी लगा हुआ आउटपुट वाला लगा होगा मैंने कहा मैंने इंटरेस्ट को क्या किया है पेड किया है तो इनपुट वाला लगा होगा या आउटपुट वाला तो आपने पेमेंट किया तो कौन से वाला लगा होगा इनपुट आपको एक ब्याज मिला वहां पे भी जीएसटी इन्वॉल्व था तो अब कौन से वाला होगा आउटपुट वाला तो आपको यह याद रखना है कि इनपुट कब लगेगा और आउटपुट कब लगेगा सेम अगर हम बात करें तो सेम कहानी हमारा आ जाता है सर सेम कहानी हमारा निकल के आ जाता है सी पे तो है यूटी जीएसटी पे भी आ जाता है सेम कहानी लेकिन सर यूटी जीएसटी की अगर हम बात करें तो यहां पे सी के जगह पे इनपुट इनपुट यूटी जीएसटी आ जाएगा और यहां यूटी जीएसटी आ जाएगा अगली बात करते हैं सर स्टेट का रहेगा मेरे पास स्पेस नहीं था मैं स्टेट का लिख देता हूं स्टेट में भी सेम रहने वाला है सर एक रहेगा आपका इनपुट और एक रहेगा आउटपुट एक रहेगा इनपुट एक रहेगा, रहेगा आउटपुट आईजीएसटी के अंदर भी रहने वाला है इनपुट एंड आउटपुट यानी आईजीएसटी भी इनपुट रहेगा और आउटपुट रहेगा सर कब इनपुट लगेगा कब आउटपुट लगने वाला है कहानी सेम है बिल्कुल कि इनपुट तब लगेगा जब आप परचेज करोगे और आउटपुट कब लगेगा सर जब आप क्या करोगे सर सेल या रिसीव बड़ी बेसिक सी बातें हैं ये सारा कुछ हमारा जीएसटी के प्रोसेस है यानी सर हमारे जीएसटी के अंदर इनपुट भी होता है आउटपुट भी होता है सर इन केस दिल्ली एंड चंडीगढ़ टू विल अप्लाई देखो दिल्ली और चंडीगढ़ चंडीगढ़ में तो आईजीएसटी लगता है कंफर्म है दिल्ली को ना एक स्टेट का मतलब ऐसा है दिल्ली के साथ कि थोड़ा स्टेट और थोड़ा यूटी का दर्जा दिया गया है पहले दिल्ली के अंदर ना मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते तो गूगल करके देखिएगा दिल्ली फर्स्ट आपका चीफ चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा पहला चीफ मिनिस्टर इस सन में आया था था इसके पहले था ही नहीं पहले ये यूटी का पार्ट हुआ करता था लेकिन पब्लिक की आबादी बढ़ने के साथ साथ सेंटर ने देखा भैया हमारे चलाने की बस की नहीं हो रही काफी सारी दिक्कतें तो ये दे दिया गया कुछ पावर के साथ कुछ पावर के साथ यहां पे मुख्यमंत्री को लाया गया और आपने देखा होगा दिल्ली को दो लोग मिलकर चलाते हैं एक गवर्नर जिसे एलजी बोलते हैं और एक चलाता है कौन आपका मुख्यमंत्री लेकिन सारा का सारा जो मेन डिसीजन लिया जाता है वो एलजी के थ्रू लिया जाता है इसलिए आपने देखा होगा कई बार गवर्नमेंट कहती है हमें करने नहीं देते हम करना चाहते लेकिन गवर्नमेंट हमें करने नहीं दे रहा तो मेन पावर रहता है सेंटर के पास ही यानी दिल्ली के अंदर अगर कोई दिल्ली पुलिस के अंदर जॉब कर रहा है तो वो भी सेंटर की जॉब मानी जाती है लेकिन कुछ चीजें स्टेट की भी है तो डेली के अंदर आई नहीं लगेगा डेली भी आपका सी और एस जीएसटी में आएगा पार्ट तो जीएसटी परपज के लिए यूटी अलग डिफाइन किया गया है बाकी यूटी में और भी चीजें जुड़ जाती है लेकिन जीएसटी परपज के लिए अलग यूटी डिफाइन किया गया है अब हम देखते हैं सर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मान लेते हैं आपने परचेज किया सर परचेज किया आपने हजार रुपए का सामान इसके ऊपर आपने क्या दिया सर टैक्स दिया मान लेते हैं सौ रुपए का तो सर ये सौ रुपए अगर मैं कहूं कि दिल्ली में ही मैं खरीद रहा हूं और दिल्ली का ही डीलर है दिल्ली से ही खरीद रहा हूं तो यहां टैक्स जरूर लगा होगा अब यहां पे टैक्स कौन सा लगेगा लगा होगा बता सकते हो यानी दो लगे होंगे एक लगा होगा और एक लगा होगा लेकिन इनपुट वाला लगेगा आउटपुट वाला हमने क्या करा है तो कौन सा लगने वाला है सर इनपुट अब मैंने क्या करा है फिर डेली के अंदर ही बेच दिया सेल्स कर दिया मैंने बारह सौ रुपए का और इसके ऊपर टैक्स बना एक सौ बीस रुपए और डेली में ही मैंने बेच दिया तो यहां पे भी दो तरीके का टैक्स लगा होगा सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी बट यहां पे इनपुट वाला नहीं होगा आउटपुट वाला होगा अब हमने क्या करा सरकार को फाइनली टैक्स पेमेंट करने का ठाना और सरकार को जब पेमेंट करने गए तो कितने रुपए पेड करना है गवर्नमेंट को बीस रुपए इसको हम बोलते हैं इस प्रोसेस को बोला जाता है सेट ऑफ इस प्रोसेस को बोला जाता है सेट ऑफ प्रोसेस और सेट ऑफ क्या करा इनपुट से आपने आउटपुट कर दिया तो इसे बोला जाता है इनपुट सेट ऑफ और जो पैस टैक्स आप पहले एडवांस में सरकार को दे देते हो उसको बोल दिया जाता है टैक्स क्रेडिट यानी आपके अकाउंट में पहले से पैसा पड़ा हुआ है उसे क्या बोला जाता है यानी सर इस टैक्स का देखो एक नाम हो गया हमारा इनपुट भी वो तो पहले ही क्लियर हो गया एक बोला जाता है टैक्स क्रेडिट जो हमारा पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है कुछ बच्चों के मन में डाउट भी हो सकता है सर मान लो हमने सामान बना लिया अब बेचने का मन नहीं बन रहा तो जो पैसा हमने पेमेंट करा है सरकार को वापसी मिलेगा तो कभी भी आपका पैसा वापस नहीं आता इनकम टैक्स में वापस मिल जाता है इसके अंदर वापस नहीं मिलता वो बोलता है कभी भी आप सामान बेचिए लाइफ टाइम वैलिडिटी दे रहे हैं कभी भी आप सामान बेचिएगा ऐसा नहीं कि आपने अगर यहाँ पे कपड़ा खरीदा है तो कपड़े बेचने पर ही इनपुट का मिलेगा आप क्लॉथ खरीद करके आप सब्जी बेच दीजिए चाहे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बेच दीजिए जिसपे जीएसटी लगता हो उसको यहां से माइनस करके आप अलाउड कर देंगे तो यहाँ पे एक है हमारा इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट जो कि मैंने यहां बताया तो यानी सर अगर इसे बोला जाए तो क्या बोला जाएगा ये हमारा टैक्स लाइबिलिटी यानी ये पेमेंट हालांकि मैंने ग्राहक से वसूला कितना है सर ग्राहक से मैंने वसूला कितना एक सौ बीस रुपए यानी बीस रुपए टैक्स का नाम का लेकिन मैं बीस सरकार को नहीं दूंगा क्योंकि दस मैं पहले सॉरी सौ रुपए मैंने ग्राहक से कितने वसूले एक सौ रुपए लेकिन मैं एक सौ रुपए गवर्नमेंट को नहीं देने वाला क्योंकि सौ तो मैं पहले ही पेड कर चुका हूं खरीदते टाइम पे तो मैं नेट में कितना दूंगा बीस रुपए का पेमेंट करने वाला हूं तो जो हम खरीदते टाइम पे टैक्स दे रहे हैं और बेचते टाइम पे इन दोनों के टैक्स को जो हम इंपैक्ट को एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसको बोलते हैं इनपुट सेटअप और इनपुट सेटअप के बाद जो बैलेंस बचता है हमारा टैक्स लाइबिलिटी वही पैसा सरकार को पेमेंट करना होता है ना कि मैं यहाँ पे जाके 120 दे दूंगा तो ऐसे देखा जाए तो मैंने सरकार को 120 सौ बीस यहां और 100 पहले भी 220 चला गया उनके पास तो सरकार के पास टोटल में जाना कितना चाहिए जितना वैल्यू एड हुआ है उतना पहले में सौ रुपए चला गया यहां पे आपने बीस रुपए का कितना प्रॉफिट एड किया दो का तो दो पे कितने जाएंगे आपके बीस रुपए जाएंगे दस परसेंट के हिसाब से देखा तो सौ यहां चला गया बीस आपने दे दिया तो सरकार को टोटल कितना मिल गया प्रोडक्ट पे एक सौ और फाइनल प्रोडक्ट भी देखो कितने का है बारह सो बारह सौ पे फाइनल प्रोडक्ट पे सरकार कैलकुलेशन करेगी भाई फाइनल प्रोडक्ट इतने का तो दस परसेंट एक सौ बीस आना चाहिए अब वो पीछे के चैन को देखेगी कि एक सौ बीस आए नहीं देखा हाँ दस उस से, सौ उससे आए थे और बीस से आए मेरे पास भी एक सौ बीस आ गए और प्रोडक्ट के ऊपर भी दस परसेंट लग गया जो कि कितना बन गया हमारा एक सौ बीस तो गवर्नमेंट का ये सारा प्रोसेस रहता है लेकिन इसके अंदर पता है क्या होता है गवर्नमेंट ना कई बार पहले यहां तक देखिए कोई दिक्कत है यानी इनपुट और आउटपुट अब मुद्दे की बात है सर यहां पे आप देखेंगे इस पॉइंट पे फिर से आ जाते हैं हम आप देखेंगे यहां ध्यान से तो जब कभी भी आप सामान खरीदेंगे तो सरकार को टैक्स पेड करके आएंगे तो जब पेड करके आएंगे तो आप ये पैसा सरकार से आगे इनपुट में सेट ऑफ करेंगे यानी जब हमारे पास टैक्स का पैसा आएगा तो हम सरकार को देंगे नहीं पहले अपना काटेंगे फिर ये हमारे लिए एसेट होता है ये हमारे लिए क्या होता है और जो आउटपुट वाला है सर जो आउटपुट वाला है सेल्स करके कस्टमर का पैसा हमारे पास आ गया अब ये पैसा हमारे सरकार के पास जमा करवाने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा नहीं कराना एडजस्टमेंट करके करवाना है तो यह हमारे लिए क्या होता है लाइबिलिटी तो अगर मैं बोलू अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से बोलू कि बताओ भैया इनपुट टैक्स अगर आपका हो तो वो लाइबिलिटी साइड में दिखाओगे या एसेट साइड में दिखाओगे तो इनपुट होगा तो एसेट साइड में और अगर आउटपुट हो तो लाइविलिटी साइड में दिखाएंगे नेट अमाउंट करके क्या बनता है अगर यहां पे देखा जाए अभी वाले एग्जांपल में तो सर यहां पे क्या है सर ये ये नेट अमाउंट बना है आपका तो नेट अमाउंट क्या है ये सर नेट अमाउंट है आपका आउटपुट और मैंने कहा टैक्स लाइवलिटी है ये समझ में आया क्यों कहा टैक्स लाइविलिटी क्योंकि आउटपुट वाला क्या करना होता है हमें सरकार को देना पड़ता है और ये टैक्स लाइविलिटी है जो कि हमें किसको देना पड़ेगा सर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा यहां तक देखिए कोई दिक्कत है तो बताइए यहां तक के कहानी में कोई दिक्कत क्योंकि एक कॉन्सेप्ट अभी और रहता है था, वो, तो वो सिर्फ पता चले मैं सीधा इनपुट और आउटपुट पे अगर आ जाऊं पता ही नहीं चलेगा फिर वो बस एक कॉन्सेप्ट के लिए सारी बातें अगर आप, आपको क्लियर है तो फिर आगे मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन भी करा दूं आपको तो एक शॉर्ट रिवीजन अगर मैं स्टार्टिंग से लेके चलूं तो हमारा जीएसटी बेसिकली क्या है पुराने टाइम पे भी ये सारे टैक्सेस थे लेकिन सभी टैक्सेस को मिला के एक टैक्स बना दिया गया मतलब एक डिपार्टमेंट बना दिया गया सभी टैक्स को मिला के और उसको नाम दे दिया गया जीएसटी लेकिन रेट जो पहले हुआ करता था अभी भी उसी तरीके से रेट क्या है डिफ्रेंशिएट है अगर हम बात करते हैं जीएसटी की हिस्ट्री की तो सबसे पहले किसने जीएसटी को ऑप्ट किया था फ्रांस ने ऑप्ट किया था कब किया था 1954 के अंदर उसके बाद धीरे धीरे सभी कंट्री ने ऑप्ट करना चालू किया था रीजन क्या था ऑप्ट करने का क्योंकि फ्रांस और यूके के अंदर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती वो जो कानून बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं इसके बाद 160 कंट्री में धीरे धीरे ये अप्लाई हो चुका है अब तक इससे भी ज्यादा धीरे धीरे कंटिन्यू होता जा रहा है सर सबसे पहले जीएसटी की इंडिया के अंदर लाने की चर्चा जो हुई थी वो दो में हुई थी जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कोशिश करी थी कि हिंदुस्तान के अंदर जीएसटी आ जाए जिससे कि हिंदुस्तान का फ्यूचर क्या हो बेटर हो लेकिन उस टाइम पे वो जीएसटी नहीं लेके आ पाए थे उसके बाद सेकेंडली रिकमेंडेशन केलकर के द्वारा दिया गया था केलकर क्या है सर एक कमेटी है जो कि रिकमेंडेशन करती है दूसरी बार जो गवर्नमेंट थी कौन थी सर पी चिदम्बरम पी चिदम्बरम जो कि यूपीए यानी कांग्रेस सरकार की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कोशिश करी थी कि जीएसटी को लाया जाए 2006 के अंदर लेकिन फाइनली जीएसटी नहीं आ पाया और इन्होंने सोच लिया था कि 2010 के अंदर तो हम जीएसटी को अप्लाई कर देंगे लेकिन वहां पर भी जीएसटी अप्लाई नहीं हो पाया फिर जब हमारा हिंदुस्तान का दोबारा से इलेक्शन हुआ और दोबारा से गवर्नमेंट चेंज हुआ तो दो में पीएम ने फिर से बोला कि जो पहले हमारे 2000 के अंदर सपना था उस सपना को अब हम पूरा कर सकते हैं क्योंकि बीच के साल हमारे पास तो थे नहीं तो जीएसटी को हम लेके आएंगे और इसको अमेंडमेंट कर दिया और जीएसटी लाने का इन्होंने सोचा अब इसके साथ साथ देखा जाए जीएसटी की अगर हम बात करें तो 2016 में फिर से अमेंडमेंट हुआ 2014 से लेकर 2019 तक का इनका कार्यकाल था यानी पांच साल के लिए कोई भी हमारा प्रधानमंत्री बनता है हिंदुस्तान के अंदर तो 2014 में जब ये बने और 2019 तक इनका कार्यकाल था तो इन्होंने सोचा कि जो हमारे पास वक्त है इसके अंदर जितनी भी कमियां है उसको अगर ठीक कर लिया जाए हम आगे जीतेंगे या नहीं जीतेंगे 2019 में वो जानते नहीं तो इन्होंने जितने भी काम निपटाए ना मुद्दे 2019 से पहले ही पहले सारा मुद्दा क्या करा इन्होंने कोशिश करा निपटा दिया तो इसमें से एक जीएसटी था जिसके ऊपर इन्होंने 2016 में रिकमेंडेशन दिया सितंबर में मार्च 17 में इस पे और जाके अप्रैल 17 के अंदर राष्ट्रपति ने भी सिग्नेचर कर दिया हर जगह से मिलजुल के बिल पास करा लिया इसके बाद फिर 1 जुलाई 2017 से पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जीएसटी अप्लाई हो गया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वहां पर भी सात जुलाई से स्टार्ट हो गया तो हम बोल सकते हैं एक तरीके से जीएसटी डे एक जुलाई मनाया जाता है इसके बाद बात करें कि सर जीएसटी को जब लाया गया था तो उन्होंने जो स्टेट थे कुछ ऐसे जगह थे जहां पे यूनियन टेरिटरी को बताया गया था अब हमने देखा सर जीएसटी को चार भाग में बांटा गया बेसिकली कहने को चार भाग था उसके अंदर भी कंपोनेंट्स निकल गए जीएसटी में था सर सेंटर का सीजीएसटी स्टेट का एस और इसके साथ किसका था सर यू आपका यूनियन टेरिटरी का यूटी और एक जहां पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाते हैं वहां पे क्या लगता है आई जीएसटी लगता है लेकिन इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट आ गया इनपुट और आउटपुट का आउटपुट जीएसटी जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है सर वो लाइबिलिटी होता है और इनपुट जीएसटी क्या होता है आउटपुट जीएसटी कब लगेगा जब कोई सामान बेचेंगे और जब कोई पैसा रिसीव कर रहे होंगे और इनपुट कब लगता है जब कोई सामान खरीदेंगे और जब कोई पेमेंट कर रहे होंगे तो क्या लगेगा इनपुट अब किस प्रोसेस को सर जब हम एक टैक्स हमने पीछे पेमेंट किया और एक टैक्स हमने आगे से रिसीव किया तो नेट नोक ऑफ करके सरकार को जो पेमेंट करते हैं उसको क्या बोला जाता है सर इनपुट सेट ऑफ या फिर टैक्स क्रेडिट भी बोला जाता है और फाइनली जो हमारा सेट ऑफ होता है वही पैसा हमें गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ता है बताइए कोई डाउट यहां तक क्लियर है